गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। Too late। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? कौन है ये? दिन पूरा होने के बाद बताऊंगा। इसकी शर्ट पे लेबल ना है। क्या जीशु हुए मूवी से बाहर? कहां हो रही है मूवी की शूटिंग? मेकर्स ने क्यों कहा कि जीशु कभी भी मूवी का हिस्सा नहीं थे? राइस के निर्माता ने अल्लू अर्जुन स्टारर इस मूवी में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जीशु यू सेन गुप्ता के पास पहुंचे थे, लेकिन वो तारीख के मुद्दों के कारण मूवी नहीं कर सके। अब इस हफ्ते की शुरुआत में अफवाहें फैलने लगी कि तेज तरार अभिनेता पुष्पा जोमी खलनायक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट ने जीशु के फैंस को भी काफी एक्साइटेड कर दिया था। खैर, अब हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं और ये निश्चित रूप से उन लोगों को निराश करेगा जो पुष्पा 2 में लोकप्रिय अभिनेता को देखने के इच्छुक थे। वो बहु प्रतिशत सीक्वल का हिस्सा नहीं है, इस बात की पुष्टि जीशु के करीबी सूत्र ने किया। वे सभी रिपोर्टों में जिनमें दावा किया गया है कि जीशु यू सेन गुप्ता पुष्पा के सीक्वल में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं निराधार है। उन्होंने कहा कि वो पुष्टि कर सकते हैं कि पुष्पा द रूल का हिस्सा वो नहीं है। हालांकि प्रोडक्शन टीम, निर्देशक या अभिनेता की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई थी कि जीशु पहले भी पुष्पा 2 में खलनायक भूमिका का हिस्सा है। अटकलें लगाई जा रही थी कि ये किरदार पहले विजय सेतुपति को दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय दक्षिण अभिनेता को अपनी पिछले प्रोजेक्ट्स के कारण ना कहना पड़ा। तब चर्चा तेज थी कि निर्माताओं ने खलनायक की भूमिका के लिए जीशु से संपर्क किया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और बंगाली अभिनेता पुष्पा द रूल में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीशु भले ही पुष्पा 2 का हिस्सा ना हो, लेकिन वो समांथा रुद्र प्रभु और देव मोहन की पीरियड ड्रामा शकुंतलम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो 4 नवम्बर को रिलीज होने वाली है। इस बीच पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजल अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देंगी। पहले ऐसी खबरें थी कि मूवी के एक बड़े हिस्से की शूटिंग पश्चिम बंगाल में बंकुरा में की जाएगी। हालांकि निर्माताओं ने कथित तौर पर बाद में शूटिंग का स्थान बदल दिया और शूटिंग स्केड्यूल के बारे में कोई खबर नहीं आई। पुष्पा द राइज पहली मूवी को 2021 में जबरदस्त प्रक्रिया मिली थी और ऐसा क्रेज था कि तेलुगु मूवी को बाद में हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया गया। एक्शन एंटरटेनर पिछले साल सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बन गई और बड़ी सफलता ने अल्लू अर्जुन को रातों रात एक स्टार बना दिया था। तो आप इस अपडेट से कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय। सभी दुश्मन हुए एक, कैसे कर पाएगा पुष्पा सामना? क्या शिवली की होगी मौत? शेखावत से कैसे बचाएगा अपने माल को? वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे पुष्पा पर जॉली रेड्डी और मंगला श्रीनू के लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा की दोस्त बिरजू राणा ने उसे आकर बचा लिया। जहां एक तरफ पुष्पा पर हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ शेखावत ने पुष्पा की गैर मौजूदगी में उसके ठिकाने पर रेड करवा दिया और पुष्पा का सारा माल जब्त कर लिया। पुष्पा को जब ये बात पता चलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एक तरफ शिवली की जान खतरे में तो एक तरफ सभी डीलर्स का माल जब्त है। पुष्पा सीधा मिनिस्टर के पास जाता है और इसे सारी बात बताता है। मिनिस्टर अपने पावर का यूज करके शेखावत से पुष्पा का माल छुड़ा लेता है। मिनिस्टर शेखावत का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में करवा देता है।
शिखावत जाते जाते पुष्पा को धमकी देकर जाता है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ूंगा। पुष्पा वहां से चला जाता है क्योंकि पुष्पा को श्रीवल्ली को भी तो छुड़ाना है, जॉली रेड्डी को भी ढूंढना था। बिरजू राणा पुष्पा के साथ जाता है और पूरे गांव में जॉली रेड्डी को ढूंढता है लेकिन वो और उसके साथियों ने पहले ही गांव छोड़ दिया था। पुष्पा और बिरजू दोनों उन्हें ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें घर दिखता है जहां कोई नहीं रहता था। वो वहां छुप कर जाते हैं तो वहां उन्हें जॉली रेड्डी, मंगला श्रीनू और पुष्पा का भाई उन्हें दिखता है जो बैठे होते हैं। श्रीवल्ली को साइड में बांध कर छोड़ा होता है। अंदर जाते हुए पुष्पा और बिरजू दोनों गोलियां चलाते अंदर जाते हैं और श्रीनू को घायल कर देते हैं। दूसरी तरफ से भी जॉली रेड्डी उस पर गोलियां चलाने लगता है। पुष्पा का भाई पीछे से जाकर श्रीवल्ली पर गोली तान लेता है। पुष्पा उसे श्रीवल्ली को छोड़ने की धमकी देता है लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। पुष्पा जैसे ही अपने भाई की तरफ आगे बढ़ता है तभी उसका भाई श्रीवल्ली पर गोली चला देता है। श्रीवल्ली घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले ही पल पुष्पा अपने भाई पर गोली चला देता है। श्रीवल्ली को पुष्पा गोद में लेकर उठाने की कोशिश करता है। श्रीवल्ली पुष्पा को कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पाती और मर जाती है। पुष्पा गुस्से में उठता है और सब पर गोली चलाने लगता है। जॉली रेड्डी को भी मार देता है। जब सबको पुष्पा मार देता है तब रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है और अपने दोस्त बिरजू राणा से बोलता है कि स्मगलिंग ने मुझसे सब छीन लिया, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे दोस्त, सब। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे अब ये स्मगलिंग नहीं करनी। सभी माल सभी डीलर्स को वापस कर दो, मैं ये गाँव छोड़ कर और सब कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ। और पुष्पा कहीं दूर चला जाता है। अब आपको क्या लगता है किसने किया पुष्पा का दिमाग गरम, किसकी हुई किडनैपिंग? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब दोस्तों और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पॉलीगॉट स्टूडियोज। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले गुड न्यूज तो दे दूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं स्पीड में हमारे साथ तो फटाफट से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करती हूँ मैं अपनी आज की इस वीडियो के साथ। दोस्तों पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन ने जो चीज बचपन से देखी और सीखी है वो ये है कि जिसके पास पैसा होता है ना उसको सब भाव देते हैं, हर कोई उसकी जी हजूरी में लगा रहता है। लेकिन जो बात कठिन है वो ये है कि आखिर ये पैसे कमाए कैसे जाए। इतने सालों से पुष्पा अपने ठेकेदार के यहाँ काम कर रहा है। पुष्पा का गांव दुनिया भर में लाल बैम्बू के लिए जाना जाता है। उसके सामने ही यहाँ से कई लोग इसकी तस्करी कर इतने अमीर हो गए कि क्या ही कहने। और अब बस पुष्पा ने भी ये ठान लिया है कि उसे भी अपना इस गरीबी के जीवन से निजात चाहिए और चाहे जो हो वो ऐसा करके ही रहेगा। पुष्पा का दिमाग अब बस इसमें चलने लगा है कि कैसे उसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने हैं। पुष्पा का जो ठेकेदार है उससे पुष्पा ने बिजनेस की हर बारीकी को सीख लिया है और बारीकी के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा सीखने वाली थी वो ये थी कि कैसे इस लाल लकड़ी की डिमांड को देश में और देश के बाहर कहां सबसे ज्यादा पूरा करने का मतलब मौका है। अब किधर इसके सबसे ज्यादा डीलर्स हैं और कैसे इसके मार्केट के अंदर इतना काम होता है। ठेकेदार के कारण उसे ये जानने को मिला कि कैसे हमें बड़े डीलर्स से नेटवर्क बनाने हैं और उनके जरिए अपना नेटवर्क भी बढ़ाना है, क्योंकि ये नेटवर्क ही है जिसके कारण हमें सब कुछ जानने और सीखने को मिल सकता है। और डीलर्स ही हैं जो पुष्पा को इस गांव के दलदल से निकाल सकते हैं। ये सब तो पुष्पा सीख ही रहा था लेकिन उधर दूसरी ओर उसका मन किसी और बात में भी फंस चुका था। दरअसल जहां पुष्पा काम करता था वहीं पर एक लोहार यानी लोहे के औजार बनाने वाले की दुकान थी। अब उस लोहार की एक बेटी थी जो खुद पूरे गांव में पैदल चलकर दूध बेचा करती थी। यूं तो पुष्पा के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो किसी चीज को लेकर इतना डाइवर्ट हुआ अपने गोल से, लेकिन इस बार बात कुछ और ही थी भैया। पुष्पा ने जब से उस लड़की को देखा था तब से श्रीवल्ली, उसके मन से वो लड़की निकल ही नहीं रही थी। वो जब देखो तब बस उसी लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। अब एक दिन वो लड़की अपने पिता के लिए खाना लेकर गोदाम आई और वहीं उसकी नजर पुष्पा से टकराई। जब पुष्पा ने उससे पहली बार पूछा था कि उसका नाम क्या है,
उसने कहा श्रीवल्ली यानी कि अपनी रश्मिका मैडम, और यहाँ से सिलसिला चालू हुआ दो अनजान लोगों में गुफ्तगू का। श्रीवल्ली और पुष्पा अब रोज ही एक दूसरे से थोड़ा तो बात करने ही लगे थे। कुछ और दिन बीते और अब दोनों के लिए एक दूसरे से मिलना बहुत जरूरी हो गया था। वो दोनों बहाने ढूंढने लगे एक दूसरे से मिलने के, और मिलते मिलाते फाइनली एक दिन पुष्पा ने श्रीवल्ली से अपने मन की बात कह ही डाली कि उसे प्यार है उससे और वो उससे शादी करना चाहता है। श्रीवल्ली बस मुस्कुराई और चली गई, लेकिन पुष्पा अपनी लव स्टोरी में आगे आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। श्रीवल्ली और पुष्पा की रोज हो रही इन मुलाकातों पर किसी और की भी नजर थी। पुष्पा ने बहुत कम टाइम में इस बिजनेस की बारीकियां सीख ली थी। वो दूर दूर तक अपने काम के लिए फेमस भी हो चुका था और अब उसके कई सारे दुश्मन बन चुके थे। भाई जहाँ सक्सेस है वहाँ एनिमीज तो है दोस्तों, जिससे ना सिर्फ पुष्पा को ही बल्कि अब तो श्रीवल्ली को भी खतरा था। दरअसल ये खतरा और किसी से नहीं बल्कि ठेकेदार के ही बड़े बेटे से था। बेटे ने श्रीवल्ली के पिता को किडनैप कर लिया और श्रीवल्ली को धमकी दी कि तुमने अगर वो नहीं किया जो मैं कह रहा हूँ तो फिर तुम्हारे पिता की जान तो जाएगी। श्रीवल्ली के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। उसने अपने आप को इतना मजबूर कभी नहीं महसूस किया था, पर उसे डर था कि अगर ये बात पुष्पा को पता चली तो उसके गुस्से में बात एकदम उलट पलट हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उसने ये बात पुष्पा को तो नहीं बताई और चली गई मैडम अकेले ही। लेकिन पुष्पा के दोस्त ने किसी तरह कहीं से पता लगा के ये बात पुष्पा को बताई। जैसे ही पुष्पा को ये बात पता चली, पुष्पा श्रीवल्ली को बचाने के लिए एक मिनट की भी देर ना करते हुए वहाँ पहुँच गया। पुष्पा वहाँ गया, उसने श्रीवल्ली को तो डांटा ही, मगर उसके साथ ठेकेदार के बेटे की जो धुलाई की ना वो तो देखने लायक ही थी। इसके अलावा पुष्पा ने अपने गांव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने का भी फैसला किया। अब पुष्पा ने तो बड़ा दर्दनाक सा बचपन देखा ही था, तो उसके लिए ये बात समझना, गरीबों के दुख को महसूस करना ये काफी ज्यादा आसान था। तो कुछ अच्छे काम करते हुए, कुछ बुरे काम करते हुए अपना पुष्पा जो है अब वो तैयार है आगे की अपनी कहानी लिखने के लिए और हम सबके सामने पुष्पा 2 लेके आने के लिए। दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार दोस्तों। पुष्पा को आखिर किससे हुआ प्यार, श्रीवल्ली में क्या था खास? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीकास्ट स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। पुष्पा यानी कि गरीबों का रखवाला भाई साहब, पुष्पा का एक फंडा क्लियर है कि उसे किसी से डरना नहीं है और कोई बुरा काम नहीं करना, और बेहद गरीब होने के बाद भी पुष्पा का ये एक सपना है कि उसे एक दिन सब कुछ हासिल करना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर उसे कुछ इलीगल भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा और वो सब करके दिखाएगा। पुष्पा जहाँ का रहने वाला है वहाँ सबसे ज्यादा रेड टिम्बर का प्रोडक्शन होता है, और गाँव का जो भी व्यक्ति बड़ा आदमी बना है वो इसलिए है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं रेड टिम्बर की तस्करी में अपना हाथ लगाया है। पुष्पा वैसे तो अपने सेठ के यहाँ नौकरी करता है जहाँ पर मजदूरी करके उसे 2 वक्त की रोटी की पगार मिल जाती है, लेकिन वो देखता था कि कैसे उसका सेठ अपना सारा काम मजदूरों से कम पैसे में करवाता और खुद लाखों का मजा लूट रहा था, और इसलिए पुष्पा ने ठान लिया था कि वो भी ऐसा कुछ करेगा जिससे वो बड़ा आदमी बन पाए। और इसी डिसीजन के साथ वो ये पता करने में लग जाता है कि आखिर किस तरह से रेड टिम्बर के बिजनेस में घुसना है और कैसे इसकी शुरुआत करनी है। पुष्पा बिजनेस के साथ झोल समझता है और इसके साथ वो ये भी समझता है कि कैसे और कहां पुलिस रेड टिम्बर की ट्रैफिकिंग को चेक करती है। पुष्पा ने यहां तक कि सी वेज के भी सारे रस्तों के बारे में रिसर्च कर ली थी और अब वो तैयार है इस खेल को खेलने को। पुष्पा ने इसके साथ ही साथ अपने गाँव में गरीबों के लिए स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। पुष्पा का बचपन बड़ा ही दर्दनाक रहा है। वो एक बिन बिहाई माँ का बेटा था। गांव वाले उसे हमेशा गंदा खून कहते थे, और अब इतने सालों बाद पुष्पा का मन में ये बात इस तरह से घर कर चुकी है कि वो अब समाज में अपने जैसे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पुष्पा एक दिन एक खुफिया रास्ते से 5 ट्रक रेड टिम्बर कहीं इलीगली पहुँचा रहा होता है।
तभी पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस पुष्पा को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन पुष्पा भी पूरी तरह से चौकन्ना था और उसने फुर्ती दिखाते हुए सारे के सारे टिम्बर नदी में अनलोड करने का फैसला लेता है और पुलिस के साथ उसके भयंकर मुठभेड़ होती है। लेकिन वो ये मुठभेड़ में जीत जाता है और अंत में वो ये सारे टिम्बर उनके मंजिल तक पहुंचा ही देता है। पुष्पा आगे किन खतरों से लड़ते हुए दिखाई देगा, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। पुष्पा एक अच्छा आदमी है, वो आगे जाकर अपना घर एक अच्छी लड़की के साथ बसाना चाहता है। इसके लिए उसने लड़की पसंद भी कर ली है, नाम है श्रीवल्ली, अपने पिता की इकलौती बेटी जिसने अपने पूरे घर को संभाल रखा है। पुष्पा को श्रीवल्ली की यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई। सिंडिकेट का नया रूलर, क्या होगी भंवर सिंह की चाल, क्या बदल जाएगा सिंडिकेट का रूलर। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आपने अब तक देखा कि कैसे शेखावत सिंह ने श्री वीनू बाला कृष्णन के साथ हाथ मिलाकर पुष्पा के खिलाफ प्लानिंग करने की कोशिश की। अब आगे सभी और एमपी सिद्धप्पा नायडू के इलेक्शन और पोस्टर की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। सिद्धप्पा नायडू ने सिंडिकेट के सभी मेंबर्स की मीटिंग रखी जिसमें सभी नायडू से मानो मुंह फुलाए बैठे हैं। तभी पुष्पा की एंट्री होती है। पुष्पा की एंट्री लेते ही नायडू खुश हो जाता है। पुष्पा भी नायडू को इलेक्शन को अभी से ही जीतने की बधाई देने लगता है, पर सिंडिकेट के बाकी सभी मेंबर्स मानो जल ढूंढ रहे हैं। सिद्धप्पा नायडू बताता है कि अभी एक महीने तक उन्हें अपने लाल चंदन का धंधा बंद रखना होगा क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम है। जिस पर सिंडिकेट के कुछ मेंबर्स भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इलेक्शन के लिए हम अपना धंधा क्यों बंद करें, इसी सिंडिकेट के पैसों से तुम एमएलए खरीदते हो। जिस पर पुष्पा कहता है, तुम लोग ये बड़ी बड़ी बात करते हो पर बिना सिद्धप्पा नायडू के हमारा ये सिंडिकेट भी नहीं चल सकता। सिद्धप्पा नायडू एमएलए खरीदता है और पावर में ही तभी हमारी चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर पाती हैं, पुलिस की रेड से बच जाती हैं और तुम सब ऐसा बेवकूफों की माफिक बात कर रहे हो। सिद्धप्पा नायडू बताता है कि इलेक्शन ड्यूटी के टाइम उसे सिंडिकेट और उससे जुड़े कोई भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर सिंडिकेट पकड़ा गया तो वो भी इस समय कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्शन तक वो एमपी नहीं बल्कि एक कैंडिडेट ही कहलाएगा और उसका पूरा ध्यान इलेक्शन पर ही होगा। इसीलिए अच्छा होगा कि एक महीने तक वो सब सिंडिकेट का काम रोक दे। सिंडिकेट के मेंबर्स ये सुनकर गुस्से का घूंट मानो पीकर रह जाते हैं। तभी सिद्धप्पा नायडू का पीए वहां आता है और बताता है कि उनका एक एमएलए उनके ऑपोजिट पार्टी में चला गया है। तभी फोन रिंग होता है और सिद्धप्पा नायडू के पार्टी वाले बताते हैं कि उन्हें 3 और एमएलए उनके ऑपोजिट पार्टी में चले गए हैं। सिद्धप्पा नायडू गुस्से में अपने पीए पर चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है, कौन हमारे एमएलए खरीद रहा है। जिस पर पीए सर झुका लेता है और कहता है, सर इस बार श्री वीनू बालाकृष्णन अपने ऑपोजिट खड़ा हुआ है और वही ये सब कर रहा है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है और तभी पुष्पा से कहता है, तुम अब इस सिंडिकेट के कर्ता धर्ता हो, याद रहे एक महीने तक सिंडिकेट का कोई भी काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो। ये कहकर सिद्धप्पा नायडू वहां से निकल जाता है। पुष्पा कहता है, भाई लोग अब क्या यहां से बिरयानी खा के जाने का है क्या, चलो अपनी तशरीफ उठाओ और निकलो यहां से। पता है ना, सिद्धप्पा नायडू ने कहा है एक महीने तक सिंडिकेट का सारा काम बंद और अपन भी जा रहा है श्रीवल्ली के साथ एक महीने के हनीमून पर, तब तक अपने को कोई लोचा नहीं मांगता है, क्या समझ में आया ना। कहते हुए वो वहां से निकल जाता है और सिंडिकेट के मेंबर्स बस गुस्से की भरी नजरों से उसे घूर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि शेखावत सिंह ने एक बड़े से गोडाउन को बुक किया है। शेखावत सिंह श्री वीनू बालाकृष्णन को फोन करके बताता है कि उसका काम हो चुका है और हमें पता चलता है कि उस बड़े से गोडाउन में लाल चंदन की लकड़ियां रखी गई हैं। पुष्पा श्रीवल्ली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। श्रीवल्ली पूछती है कि क्या पुष्पा शुरू से सिंडिकेट का बॉस बनना चाहता था। पुष्पा बताता है कि पुष्पा जहां भी रहता है बॉस बनकर ही रहता है, चाहे वो सिंडिकेट हो या फिर कोई और चीज, पुष्पा कभी किसी के सामने झुकता नहीं। श्रीवल्ली बताती है कि वो और पुष्पा की माँ को पूजा करने गए थे। वहाँ मंदिर में उन्होंने पूजा के समय पुष्पा के पिता के नाम रखा, तभी वहाँ मुलटी मोहन ने आकर पंडित जी से कहा कि पुष्पा उनका सगा भाई नहीं और नाजायज खून है, इसीलिए वो ये पूजा करके खुद पर पाप ना चढ़वाएं। ये सुनकर पुष्पा कहता है, तू मुझे अभी ये बात बता रही है, मैंने और मेरी माँ ने उनके कारण क्या कुछ नहीं झेला और अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं, उन्हें पुष्पा का पावर दिखाना ही पड़ेगा, तो चिंता मत कर, आज के बाद से मुलटी मोहन
या उसके घर का कोई भी सदस्य तुझे कुछ सुनाने लायक ही नहीं बचेगा। ये कहकर पुष्पा गुस्से के मारे वहाँ से जाने लगता है, पर श्रीवल्ली उसे रोक लेती है। पुष्पा, मुझे पता है कि मुलटी मोहन ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है और माँ के साथ भी, पर उन्हें नुकसान पहुँचाने से पहले ये भी सोच कि माँ को कैसा लगेगा। क्या माँ इस बात से खुश होंगी, वो भी आखिर तुम्हारा ही खून है। पुष्पा कहता है, ए मेरे को ये ज्ञान मत झेड़, वो सब लातों के भूत हैं और उन्हें वैसे ही समझ आएगा। मेरी माँ ने उनके सामने कितने हाथ जोड़े, कितनी विनती की, पर उन्होंने कभी मेरी माँ की तरफ दया नहीं दिखाई। उल्टा उन्होंने मुझे और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करनी चाही। तू देख अब वो कैसे हमारे सामने नाक रगड़ेंगे। कहते हुए पुष्पा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। क्या पुष्पा छोड़ देगा ये सिंडिकेट? क्या पुष्पा ही है खुफिया एजेंट? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हम आपको अपनी पिछली वीडियो में पुष्पा टू से जुड़े कुछ सीक्रेट या उससे जुड़ी कहानी बता रहे थे। आइए जानते हैं आगे। हमने आपको बताया था कि पुष्पा गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वाला है। चौंक गए? रुको रुको, इसमें भी मैं लॉजिक दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। पुष्पा अंडरकवर ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका टारगेट है लाल चंदन की तस्करी करने वाली गैंग्स को जड़ से खत्म करना। अब वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट उनमें से एक बनने का नाटक कर लो। पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया, बाद में दोनों गैंग्स के महत्वपूर्ण मेंबर्स को जान से भी मरवा दिया। धीरे धीरे तस्करी की गिनती जीरो हो गई। ये इसीलिए भी काफी संभव है क्योंकि पुष्पा खुद इन लोगों से मिलता है, वो भी अचानक से। कोई भी अतीत का कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, और स्मगलिंग का माल पुलिस की नजरों से बचाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के चालक तरीके खुद पुलिस से बढ़िया और कौन जानता होगा। फिल्म के शुरुआत में एक एनिमेशन प्ले होता है जिसमें पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। ये कहानी की शुरुआत नहीं क्लाइमैक्स है। कुछ ऐसा ही डायलॉग था, याद आया कुछ? एक गिटार जो जापान में मिलता है और काफी महंगा आता है क्योंकि उसे लाल चंदन की लकड़ी से बनाया जाता है, और इस लकड़ी को भारत से बाहर ले जाने का काम करते हैं अपने पुष्पा भैया। मतलब दूसरे पार्ट में पुष्पा की कहानी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाने वाली है। इसका हिंट भी दिया गया था पुष्पा के पहले पार्ट में, जब पुष्पा चेन्नई में माल मुर्गन को सीधा बेचने जाता है। यहाँ मुर्गन के चेहरे को तो दिखाया गया लेकिन मुर्गन का बॉस कौन है वो नहीं दिखाया गया। बस एक आदमी छतरी लेकर मुंह छिपाए खड़ा दिखाया जाता है। ये उस सिंडिकेट का बॉस है जिसमें पुष्पा बस एक छोटा सा मेंबर है, और इसी के द्वारा फिल्म का कनेक्शन जापान से जोड़ा जाएगा। पुष्पा की जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, एक पुष्पा की माँ और दूसरी श्रीवल्ली, जिसके लिए पुष्पा ने खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था रेड्डी ब्रदर्स से पंगा लेके। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। अगर कहानी को सच में फ्लावर से फायर बनना है तो श्रीवल्ली का मरना जरूरी है, और ये होगा भी, जिसकी वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, स्पेशली जब जॉली रेड्डी की वापसी होगी। तो उसके लिए पुष्पा से सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। और पुष्पा 2 के बारे में आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। क्या श्रीवल्ली की हो जाएगी मौत पार्ट 2 में? क्या राज खुलेगा शेखावत का? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हमने आपको अभी तक पुष्पा 2 की कहानी में बताया कि पुष्पा के लिए सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। अब आगे, अब देखो जब श्रीवल्ली जाएगी तो पुष्पा का दिल उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेगा। बस यहाँ से पैसा पावर गया सब भाड़ में, और पुष्पा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन होगा, सिंडिकेट की बर्बादी। लेकिन दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। रेड्डी ब्रदर्स, जिनमें से एक के पास दिमाग तो दूसरे के पास पागलपन, फिर श्रीनु और उसकी साइको बेबी। इन लोगों को भी अपने मरे हुए भाई का बदला चाहिए, और एक अपने पॉलिटिशियन सर जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं, वो दूसरे पार्ट में पुष्पा की जिंदगी के सबसे बड़े विलन बन जाएंगे क्योंकि इनके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ है। अब इन सब से तो पुष्पा लड़ ही लेता और आसानी से जीत भी जाता, मगर कहानी के इस 6th पॉइंट की एंट्री ना होती जो पुष्पा की जिंदगी को नर्क बना देगा। हरियाणा से ट्रांसफर हुए आईपीएस मिस्टर शेखावत को भूल तो नहीं गए आप? सिर्फ 15 मिनट में पूरे 2 घंटे की फिल्म को डोमिनेट कर दिया था इन्होंने। लेकिन क्लाइमैक्स में पुष्पा के हाथों बेइज्जती से इनका पूरा मजाक बन गया। अब देखो
भंवर सिंह शेखावत एक भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर है ये जरूर दिखाया गया, लेकिन इनको पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स की गिनती कम करना चाहते हैं, कानूनी या गैर कानूनी तरीके से। लेकिन ये ऐसे हैं क्यों, इनकी बैक स्टोरी क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट में लोग इनसे इतना क्यों डरते हैं, उसका सीक्रेट खुलेगा पुष्पा पार्ट 2 में। जैसे पुष्पा का एक पास्ट है, वैसे ही पुलिस सर की भी कोई छुपी हुई कहानी है, जिसकी वजह से पुलिस की वर्दी में गुंडों वाले काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर पुष्पा को गिनना है तो उसके अतीत को बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करना होगा। पुष्पा के रिश्तेदार पुष्पा के पार्ट 1 में इनका कैरेक्टर एकदम नेगेटिव दिखाया गया है, लेकिन पुष्पा की जिंदगी में इनका वर्तमान सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वो कैसे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके लिए एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद। क्या जीशु हुए मूवी से बाहर, कहां हो रही है मूवी की शूटिंग, मेकर्स ने क्यों कहा कि जीशु कभी भी मूवी का हिस्सा नहीं थे। पुष्पा द राइज के निर्माता ने अल्लू अर्जुन स्टारर इस मूवी में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जीशु यू सेन गुप्ता के पास पहुंचे थे, लेकिन वो तारीख के मुद्दों के कारण मूवी नहीं कर सके। अब इस हफ्ते की शुरुआत में अफवाहें फैलने लगी कि तेज तर्रार अभिनेता पुष्पा 2 में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने जीशु के फैंस को भी काफी एक्साइटेड कर दिया था। खैर, अब हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं, और ये निश्चित रूप से उन लोगों को निराश करेगा जो पुष्पा 2 में लोकप्रिय अभिनेता को देखने के इच्छुक थे। वो बहुप्रतीक्षित सीक्वल का हिस्सा नहीं है, इस बात की पुष्टि जीशु के करीबी सूत्र ने किया। वे सभी रिपोर्टों में जिनमें दावा किया गया है कि जीशु यू सेन गुप्ता पुष्पा के सीक्वल में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं निराधार है। उन्होंने कहा कि वो पुष्टि कर सकते हैं कि पुष्पा द रूल का हिस्सा वो नहीं है। हालांकि प्रोडक्शन टीम, निर्देशक या अभिनेता की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई थी कि जीशु पहले भी पुष्पा 2 में खलनायक भूमिका का हिस्सा है। अटकलें लगाई जा रही थी कि ये किरदार पहले विजय सेतुपति को दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय दक्षिण अभिनेता को अपनी पिछले प्रोजेक्ट्स के कारण ना कहना पड़ा। तब चर्चा तेज थी कि निर्माताओं ने खलनायक की भूमिका के लिए जीशु से संपर्क किया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और बंगाली अभिनेता पुष्पा द रूल में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीशु भले ही पुष्पा 2 का हिस्सा ना हो, लेकिन वो समांथा रुद्र प्रभु और देव मोहन की पीरियड ड्रामा शकुंतलम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो 4 नवम्बर को रिलीज होने वाली है। इस बीच पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजल अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देंगी। पहले ऐसी खबरें थी कि मूवी के एक बड़े हिस्से की शूटिंग पश्चिम बंगाल में बांकुरा में की जाएगी। हालांकि निर्माताओं ने कथित तौर पर बाद में शूटिंग का स्थान बदल दिया और शूटिंग स्केड्यूल के बारे में कोई खबर नहीं आई। पुष्पा द राइज पहली मूवी को 2021 में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, और ऐसा क्रेज था कि तेलुगु मूवी को बाद में हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया गया। एक्शन एंटरटेनर पिछले साल सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बन गई, और बड़ी सफलता ने अल्लू अर्जुन को रातों रात एक स्टार बना दिया था। तो आप इस अपडेट से कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय। केशवा दे सकता है पुष्पा को धोखा, क्या पुष्पा हो सकता है एक सीक्रेट एजेंट? जैसा कि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट का नाम था पुष्पा द राइज। जिसने भी ये फिल्म देखी होगी वो ये जरूर जानता होगा कि ये फिल्म पुष्पा की अर्श से फर्श यानी एक मामूली नौकर से पूरे शहर का मालिक बनने की जर्नी है। फिल्म के सेकंड पार्ट का टाइटल है पुष्पा द रूल, यानी कि अभी तक पुष्पा ने सिर्फ गद्दी जीती है, उस पर बैठना और राज करना अभी बाकी है। फिल्म का सेकेंड पार्ट पहले ही अनाउंस हो चुका है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी कहानी क्या होगी। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, इसलिए हम आपके लिए 2 पॉइंट्स लेकर आए हैं जो हो सकता है हमें आने वाले सेकेंड पार्ट में देखने को मिले। पहला पॉइंट, हम सब केशवा को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वही जिसने पुष्पा के लिए अपना मालिक बदल दिया था और बाद में धीरे धीरे पुष्पा का राइट हैंड और बेस्ट फ्रेंड भी बन गया था। लेकिन क्या होगा अगर बेस्ट फ्रेंड ही धोखेबाज निकले तो? अगर आप लोगों ने फिल्म ध्यान से देखी होगी तो फिल्म में केशवा की एक उंगली नहीं है, जिसके पीछे एक स्टोरी हो सकती है।
अब किसी की उंगली मजाक मजाक में तो कट नहीं सकती, इसलिए हो सकता है कि ये बंदा कोई सीक्रेट एजेंट या फिर किसी और गैंग का भेजा हुआ सीक्रेट एजेंट हो, जो पुष्पा को सही टाइम आने पर हमेशा के लिए फिनिश करने की कोशिश करे। पर किसके इशारे पर ये अभी पता नहीं है। बस यहीं से निकल कर आता है हमारा दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पुष्पा की स्टोरी लाइन में देखने को मिल सकता है, जिसे हम लोग एक गैंगस्टर और क्रिमिनल समझ रहे हैं। क्या होगा अगर वो कोई पुलिस वाला हो जो अंडरकवर ऑपरेशन के लिए सिंडिकेट से जुड़ा कोई शख्स हो और उसका टारगेट हो सैंडलवुड स्मगलिंग से जुड़े गैंग्स को पूरी तरह से खत्म करने का, और इस काम को करने का सबसे सही तरीका था उनमें से एक बन जाना। पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया और बाद में दोनों गैंग के इम्पोर्टेंट मेंबर्स को मार दिया। ऐसे ही धीरे धीरे स्मगलर्स की गिनती कम हो जाएगी। ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि पुष्पा खुद ही लोगों से मिलता है, वो भी सडनली। और जिस तरह से स्मगलिंग के माल को एक जगह से दूसरी जगह पुष्पा ने पहुंचाया, उस तरीके को एक पुलिस वाले से ज्यादा अच्छे से कौन सोच सकता है। क्या विलन बनने के लिए तैयार नहीं है विजय सेतुपति? कब रिलीज होगी पुष्पा 2? हेलो एवरीवन, मैं जैसिका नरोला स्वागत करती हूँ आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। टॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा हीरो जिसे किसी भी नाम या पहचान की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका स्टाइल, लुक ही उनकी शख्सियत है और पहचान भी। और अब आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और कौन से हीरो के बारे में बात कर रहे हैं। टॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में, जिन्होंने पुष्पा फिल्म में धमाकेदार एक्टिंग और डायलॉग्स का तड़का लगा के सबको अपना दीवाना बना दिया। लेकिन अब ये यहाँ तक रुकेगा नहीं, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, अब बारी हो रही है अब पार्ट 2 की। तो तैयार हो जाइए पार्ट 2 की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए। जिसने भी पुष्पा फिल्म देखी होगी उसे तो पता ही होगा कि फिल्म में सिर्फ एक ही विलन था जिसे हमारे पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन को लड़ना था। लेकिन पार्ट 2 की कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि फिल्म में होंगे 2 विलन जिससे हमारे पुष्पा को लड़ना भी होगा और जंग जीतनी भी होगी। खैर ये तो जाहिर सी बात है, पुष्पा फिल्म में सबसे खतरनाक विलन था कोंडा रेड्डी और एक्टर अजय घोष ने कोंडा रेड्डी का किरदार प्ले किया था। काफ़ी इंटेंस परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर दूसरा विलन कौन होगा, तो आपको बता दें कि सुपरस्टार विजय सेतुपति पुष्पा 2 में एंट्री लेने वाले हैं। विजय सेतुपति एक्टर के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने ज़्यादातर तमिल फिल्मों में काम किया है, इसलिए तो इस बार पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें चुना है ताकि पुष्पा 2 में 2 विलन मिलकर पुष्पा को हराने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों विलन तो विलन ही होता है और हीरो को हराना मुमकिन नहीं है। दोस्तों यही नहीं, पर आपको बता दें कि विजय फिल्म में रोल करने के लिए तैयार है पूरी तरह से, और विलन का रोल निभाने के लिए वो अपने आप पर काम भी कर रहे हैं, इसलिए लग तो यही रहा है कि पुष्पा 2 पुष्पा से भी ज़्यादा धमाकेदार होगी। तो क्या आप तैयार हैं फिल्म देखने के लिए? और वैसे भी पुष्पा के बाद पुष्पा 2 का इंतज़ार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, तो सबके मन में यही सवाल होगा कि आखिर कब रिलीज होगी पुष्पा 2, कब होगा सिनेमाघरों में हम जाएंगे, और कब कहानी को देखकर ये पता चलेगा कि आखिर पुष्पा की कहानी के लास्ट में क्या हुआ था। तो दोस्तों इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आपको बता दें कि 2023 में पुष्पा हमें देखने को मिल जाएगी, तो अभी तैयार हो जाइए इस फिल्म को देखने के लिए और मज़े करने के लिए। वैसे आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको पुष्पा 2 का इंतज़ार है या नहीं, और कब तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसने की पुष्पा की माँ की किडनैपिंग? क्या अपने सफर को पूरा कर पाएगा पुष्पा? क्या शेखावत ने किया पुष्पा को गिरफ्तार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिए और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि कैसे पुष्पा की खुशहाली भरी जिंदगी में उसके दुश्मनों ने दस्तक दी थी, और हमने आपसे ये भी कहा था कि शेखावत के डर से सारे डीलर्स ने पुष्पा से डील करनी छोड़ दी थी। तो अब जानते हैं इसके आगे की कहानी। तो जब सारे डीलर्स ने पुष्पा से डील करनी छोड़ दी, तो पुष्पा ने सीधा रशियन माफिया से कॉन्टैक्ट करने का सोचा और वो सीधा रशिया के मिशन पर निकल पड़ा। पुष्पा पंजाब होते हुए पाकिस्तान पहुंचता है, वहां उसे कुछ डीलर्स मिलते हैं, वो उसे आगे का रास्ता बताते हैं। उसी में से एक डीलर उस्मान उससे कहता है कि रशियन माफियाज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, अगर उन्हें थोड़ी सी भी भनक पड़ी कि कुछ गड़बड़ी है तो तुम्हारा वहां से वापस जिंदा आना नामुमकिन है। उसी बात पर पुष्पा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या हूँ, पुष्पा क्या चीज़ है, मैं ये बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, मैं बचपन से ही खतरों से खेला हूँ, इसलिए मेरे लिए ये बस बाएं हाथ का ही खेल होगा।
उधर शेखावत को जैसे ही ये खबर लगती है कि पुष्पा रशिया जा रहा है, वो एक चाल चलने की सोचता है। वो जाकर रेड्डी से और श्रीनु से मिलता है और उससे कहता है कि पुष्पा इंडिया में नहीं है, तो ये सबसे अच्छा मौका है कि वो उसके अड्डे पर कब्जा कर ले। और श्रीनु और रेड्डी ऐसा ही करते हैं, पुष्पा के अड्डे पर पहुँचते हैं और वहाँ पर कब्जा जमा लेते हैं। उसी बीच शेखावत पुष्पा के घर पहुँचता है और उसकी माँ की किडनैपिंग कर लेता है और उसे लाकर छोड़ देता है रेड्डी के पास। अब उसका भाई तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उसकी माँ को रोकने का, लेकिन शेखावत पुष्पा के भाई को मार देता है और उसकी माँ को किडनैप करके ले आता है। उसे ये पता है कि पुष्पा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी माँ ही है, इसलिए अगर वो ये बात सुनेगा तो आधे रास्ते से ही वापस आ जाएगा, रशिया नहीं जाएगा। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान पुष्पा उज़्बेकिस्तान पार करने के बाद यूरोप के रास्ते पहुंचने ही वाला होता है रशिया, लेकिन तभी उसे ये पता चल जाता है कि उसकी माँ की किडनैपिंग हो गई है। फिर वो एक फ़ोन कॉल करता है और डीलर से कहता है कि वो यहाँ पर आकर ये माल ले जाए, और आधे रास्ते से ही इंडिया लौट जाता है। इंडिया लौटने के बाद वो सीधा रेड्डी के अड्डे पर पहुंचता है। वहां पर उसकी काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत होती है रेड्डी, श्रीनु और उनके आदमियों से। वो सबको मार गिराता है और अपनी माँ को बस घर छोड़ने जा ही रहा होता है, उसी बीच शेखावत वहां आ जाता है और उसे लाल चंदन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। अब इस बार पुष्पा कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप गिरफ्तार हो जाता है और जेल चला जाता है। जेल में बंद होने के बाद शेखावत उससे पूछता है, क्यों गिरफ्तार कर लिया ना तुम्हें, अब कौन छुड़ाने आएगा तुम्हें। उसी समय पुलिस स्टेशन का दरवाजा टूटता है और किसी की एंट्री होती है। अब दोस्तों, कौन है ये नया कैरेक्टर जिसकी एंट्री होने वाली है, आखिर किसने तोड़ा है ये दरवाजा, जानने के लिए वेट कीजिए अगली वीडियो का। अगली वीडियो में हम आपको इसका आंसर जरूर देंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पुष्पा के लिए मेकर्स की क्या थी प्लानिंग। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पुष्पा 2 के सीक्वल को लेकर बज बना हुआ है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल के लीड रोल वाले इस फिल्म के सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की अगली कड़ी में बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की एंट्री की खबर से फैंस एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। दावा किया गया है कि मेकर्स ने पुष्पा 2 के लिए एक्टर से संपर्क किया है। दरअसल पुष्पा 2 के मेकर्स ने इसके यूनिवर्स का एक्सपेंशन करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैंडलवुड स्मगलर पुष्पराज की कहानी को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए बॉलीवुड के शानदार कलाकार मनोज वाजपेयी को लेने का फैसला किया है। इस खबर के आते ही मनोज के फैंस खुश हो गए हैं, पर अब एक इंटरव्यू में जब इस बारे में मनोज से जानने की कोशिश की तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इंटरव्यू में बात करते हुए मनोज वाजपेयी ने पुष्पा 2 के लिए मिले ऑफर को नकारते हुए इसे गलत खबर बताया है। मनोज का कहना है कि फिल्म के लिए उन्हें अप्रोच नहीं किया गया है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। अब मनोज के इनकार करने के बाद फैंस के बीच निराशा होनी लाजमी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अल्लू अर्जुन की फिल्म में 6 महीने से अधिक के शेड्यूल में कई एक्शन सीन्स की शूटिंग की जाएगी। शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन पर काम शुरू होगा और अगले साल मिड तक पुष्पा 2 रिलीज हो सकती है। सीक्वल को पहले से भी ज्यादा ग्रैंड बनाने की तैयारी की जा रही है। शायद ही आपको पता होगा कि इसके लिए अल्लू अर्जुन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के पार्ट 2 के लिए पहले बहुत से स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए बहुत सारी लोकेशंस को भी चेंज किया गया है, जिसकी वजह से इस फिल्म में और भी देरी हो सकती है। पर अब मेकर्स का कहना है वो अब इस फिल्म को लेकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पुष्पा का विलन कौन दिखेगी आइटम सॉन्ग में? क्या पुष्पा 2 बनेगी वन ऑफ द मोस्ट हिटेस्ट फिल्म? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो लोगों की सोच से लेकर सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना देती हैं। बात करें फिल्म के फर्स्ट पार्ट की तो वो है पुष्पा, पुष्पा द राइज। जिस किसी ने भी ये फिल्म देखी है तो वो समझ गया होगा कि ये सिर्फ पुष्पा की जर्नी दिखाती है। आपको बता दें कि पुष्पा फिल्म के पॉजिटिव फीडबैक के बाद फिल्म के मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट यानी कि पुष्पा का पार्ट 2 अनाउंस कर दिया है। एंड इस मूवी की कहानी कैसी होगी वो तो एक छोटे से सवाल में छुपा हुआ है कि पुष्पा हीरो है या विलन। गाइस, ये सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन असल में ये पहेली काफी टेढ़ी मेढ़ी लगती है
और इस थीम के अराउंड ही पुष्पा का सेकंड पार्ट दिखाया जाएगा। साथ ही इस बात से तो हम सब लोग अवेयर है ही कि ओ अंटिवाना गाने का क्रेज सभी में देखने को मिला, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का था। कोई इस गाने पर इंस्टाग्राम रील्स बना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कोई इस गाने को अपनी रिंगटोन या फिर कॉलर ट्यून सेट कर रहा था। इस सॉन्ग को सुनने में साथ ही साथ देखने में तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस सॉन्ग में हमें समानता का बोल्ड अंदाज और ब्यूटीफुल डांस स्टेप्स देखने को मिले थे। अब आप यही सोच रही है ना कि पुष्पा 2 में आइटम सॉन्ग होगा या नहीं, तो गाइस इसका जवाब है यस, यानी कि होगा एंड डेफिनेटली होगा। पुष्पा 2 फिल्म में आपको आइटम सॉन्ग तो दिखेगा बट समानता नहीं नजर आएंगी। इस बार हमें उनकी जगह शक्ति मोहन दिखने वाली है। क्या बात, क्या आपको पता है कि ये एक्ट्रेस दिल दोस्ती डांस से फेमस हुई थी, लेकिन क्या शक्ति मोहन समानता जैसा जादू दिखा पाएंगी, ये तो अब देखने वाली बात है। बात करें पुष्पा 2 फिल्म की तो ये फिल्म कब रिलीज होगी ये तो जल्द ही पता चल ही जाएगा। हाउएवर टॉकिंग अबाउट पुष्पा, तो ये फिल्म फैंस को काफी पसंद आई है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के रोल को बहुत पसंद किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल मई में एक्सपेक्ट की जा रही है। एक्ट्रेस को किया अप्रोच, जैकी श्रॉफ या अन्ना कौन बनेंगे विलन, क्या रश्मिका को कर दिया बाय बाय। So hello to my lovely viewers, welcome back to your favorite YouTube channel Bodygrad Studios. This is Riya और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा 2 इन दिनों लगातार काफी सुर्खियों में बटोर रही है। वहीं दूसरी ओर खबर ये भी आ रही है कि देश भर में कई शहर के कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच फिल्म की स्क्रिप्ट और कास्टिंग का काम काफी तेजी से चल भी रहा है। और वहीं दूसरी ओर हमने आपको पहले ये भी बताया था कि पिछले वीडियो में हमने आपको पुष्पा 2 के रिलेटेड काफी न्यूज भी बताई थी, जिनमें से एक न्यूज ये थी कि फिल्म के मेकर्स पुष्पा 2 के लिए एक नई फीमेल लीड एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के लिए एक नई फीमेल लीड एक्ट्रेस की एंट्री के कलाकारों को एक फीमेल में टाटा बाय बाय का फुल स्टॉप लगा दिया है। बता दें कि पुष्पा 2 के मेकर्स ने पुष्पा 2 की नई फीमेल लीड एक्ट्रेस से बातचीत कर ही रहे थे और वो थी साउथ एक्ट्रेस जिसका नाम है निवेथा थॉमस। लेकिन अब मेकर्स ने इन सारी खबरों में लगा दिया है ताला। वैसे इन शब्दों का और इन सभी रूमर्स का सिलसिला तभी शुरू हुआ था जब ये पुष्पा फिल्म काफी ह्यूज सक्सेस हुई थी और वहां खबरें ये भी आ रही थी कि रश्मिका ने अपनी फीस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। तो ऑडियंस और मेकर्स का ये कहना था कि उनका यानी कि रश्मिका का स्क्रीन टाइम कम कर दिया जाएगा और एक नई लीड एक्ट्रेस को लिया जाएगा। लेकिन ये सारी खबरें निकली झूठ, ये झूठी खबरों के अब ताला लग चुका है और खबर सिर्फ ये आ रही है कि इस फिल्म में केवल और केवल सिर्फ रश्मिका मंदाना ही मेन लीड एक्ट्रेस के बतौर पर दिखाई देगी, उनके अलावा कोई और दूसरी एक्ट्रेस नहीं करेंगी रोल। पैन इंडिया के अंदर बन रही इस फिल्म को देश भर में कई सारी यानी कि पुष्पा की तरह ढेर सारी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर बात करें विलन की तो पुष्पा 2 में विलन के किरदार के लिए दो नाम सामने आ रहे हैं और वो है जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी का। लेकिन फिल्म के मेकर्स सबसे ज्यादा सुनील शेट्टी को ही प्रायोरिटी मान रहे हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों में से किसी के भी नाम पर पक्की मोहर नहीं लगी है। वही इस फिल्म में धनंजय, प्रकाश राज, जगपति बुरा और बाबू सिम्हा में जैसे नाम आमने आ रहे हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार। वहीं दूसरी ओर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना इन दोनों ने इस फिल्म के लिए काफी कमर कस भी ली है। तो आप हमें ये बता दीजिए कि इस फिल्म को देखने के लिए पुष्पा 2 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भाया अनसूया ने पुष्पा में अपना रोल, किससे नहीं डरती अनसूया, क्या पुष्पा 2 में होगी अनसूया की एंट्री। दोस्तों वैसे तो ये बात हम सबको पता है कि पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मेन लीड रोल्स में है, पर क्या आपको पता है उनके अलावा भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो देखने में तो सीधी लगती है, पति की सेवा करती है, लेकिन कई बार जब उनके पति बात नहीं मानते तब उन्हें गाली भी देती है। क्या आप समझ पा रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं।
तो हम बात कर रहे हैं अनसूया भारद्वाज की। दोस्तों ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि इस एक्ट्रेस से अच्छा दक्षयानी का रोल और कोई कर ही नहीं सकता। पुष्पा फिल्म में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक एक्ट्रेस के लिए दमदार एंड विलेनियस रोल लिखा गया है। आपको बता दें कि अनसूया की थ्रू आउट स्टूडेंट लाइफ उन्हें दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री का पता नहीं था। कॉलेज में अनसूया ने एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया था। ये फिल्म NTR की नागा थी और इस काम के उन्हें 500 रुपये मिले थे। उसके बाद अनसूया ने एक कंपनी में HR की पोस्ट को ज्वाइन किया। उसके बाद अनसूया ने एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया था जिसमें वो न्यूज़ प्रेजेंटर थी। लोगों को उनके न्यूज़ प्रेजेंटेशन का स्टाइल बहुत पसंद आता था। अनसूया की फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की है, लेकिन आपको बता दें कि अनसूया किसी को अपना दिल दे बैठी। उनके बाद करीब 9 साल तक अनसूया अपनी फैमिली को कन्विंस कर रही थी। उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी इंप्रेसिव थी कि टीवी के बाद अनसूया को धीरे धीरे फिल्म्स के ऑफर आने लगे। साल 2016 से अनसूया ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। गायत्री और रसथलम जैसी फिल्मों ने अनसूया को एक बड़ा नाम दिया और वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस हो गई। हाल ही में अनसूया पुष्पा में दक्षयानी की भूमिका में नजर आई थी और शायद बहुत जल्द वो पुष्पा 2 में भी नजर आएंगी। सुनने में आया है कि अगले साल यानी कि साल 2023 के अप्रैल या मई के महीने में ये फिल्म रिलीज हो सकती है। फिलहाल बात करें पुष्पा फिल्म की तो ये फिल्म फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इसमें अल्लू अर्जुन के रोल को बहुत पसंद किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मई जून में एक्सपेक्ट की जा रही है। ये ऋतिक रोशन अल्लू से इम्प्रेस, अल्लू ने किसकी वजह से चेंज किया अपना करियर। दोस्तों बात करें साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्मों की तो वो हमेशा से ही एंटरटेनिंग होती है एंड सभी एज ग्रुप्स को पसंद भी आती है। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर साउथ इंडस्ट्री, ये तो जाहिर है कि सेलिब्रिटीज अक्सर किसी न किसी बात के लिए ट्रोल किए जाते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे एक्टर्स एक्ट्रेस की रियल लाइफ या रियल लाइफ। फिल्म पुष्पा के रिलीज होने के बाद हर कोई इनके पुष्पा स्टाइल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें एक बार अल्लू जोमेटो की एक ऐड में सामने आए थे जिसमें वो पुष्पा स्टाइल प्रमोशन कर रहे थे। अल्लू ने ऐड में कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो फैंस के बीच काफ़ी ट्रोल हुए थे। इन सभी के बाद अल्लू अर्जुन के नेम एंड फेम पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। दोस्तों अल्लू अर्जुन की फैमिली का हमेशा से ही फिल्मी लाइन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। अल्लू हमेशा से ही चिरंजीवी को अपना आइडल मानते आए हैं और हमेशा से ही उन्हीं को देखकर अल्लू ने डांस करना सीखा था। एक रीसेंट इंटरव्यू में अल्लू ने बताया कि उन्होंने थ्रू आउट लाइफ कभी भी डांस की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। ही एडिड कि उन्होंने बचपन से ही चिरंजीवी एंड माइकल जैक्सन के डांस को टीवी पर देख देख कर ही डांस सीखा है एंड उन्होंने इतना अच्छी तरह से डांसिंग स्किल्स में एक्सेल किया कि हर फैमिली फंक्शन में अल्लू को ही डांस के लिए बुलाया जाता था। एंड शायद यही एक कारण है कि आज अल्लू अर्जुन के डांसिंग स्टेप्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कई सेलेब्स जैसे कि ऋतिक रोशन भी अल्लू के एनर्जेटिक डांस स्टेप्स के दीवाने बन चुके हैं। अल्लू ने अपनी ग्रेजुएशन BBA में की एंड उसके बाद उनका ज़्यादा इंटरेस्ट एक्टिंग में नहीं बल्कि एनिमेशन में था। एंड फॉर दैट रीज़न अल्लू ने उस टाइम पर एक प्रोफेशनल एनिमेशन का कोर्स भी ज्वाइन किया था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अल्लू को रियलाइज़ हुआ कि उनकी सारी फैमिली फिल्म लाइन से जुड़ी हुई है, तो वो क्यों पीछे हटे। उसके बाद अल्लू अर्जुन चिरंजीवी की पहली फिल्म डैडी में डांसिंग एक छोटे से कैमियो अपीयरेंस में नजर आए, जिसके बाद धीरे धीरे अल्लू का इंटरेस्ट फिल्मी दुनिया में बढ़ने लगा। उसके साथ ही अल्लू अर्जुन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पुष्पा फिल्म के अच्छे रिस्पॉन्स एंड सक्सेस के बाद उनके नेक्स्ट सीक्वल के बारे में सोचा जा रहा है और इसी तरह सक्सेस के बाद ऐसी फिल्में एक फ्रेंचाइजी में बदल जाती है। पुष्पा 2 की बात करें तो ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है एंड स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें लीड एक्टर की भूमिका निभाएंगे अल्लू अर्जुन। हो सकता है कि फिल्म के पहले पार्ट के कई किरदार जैसे कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। बात करें पुष्पा फिल्म की तो ये फिल्म कब रिलीज होगी, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल बात करें पुष्पा फिल्म की तो ये फिल्म फैंस को काफ़ी पसंद आई है। इसमें अल्लू अर्जुन के रोल को बहुत पसंद किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल मई में एक्सपेक्ट की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिल्मों में एक्टर
पी गए रोल को पानी में घुलकर। क्या होती है लुक्स की इम्पोर्टेंस? क्या पुष्पा 2 फिल्म में चलेगा लुक्स का जादू? So hello to my lovely viewers, welcome back to your favorite YouTube channel Polygraph Studios. This is Riya, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या डेली सो, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा चलती रहती है और वो है लुक्स के ऊपर। हर किरदार को एक अलग रंग और एक अलग रूप दिया जाता है ताकि कहानी में डिमांड बढ़ती ही चली जाए। वैसे ही ऐसे कई फिल्में और कई किरदार हैं जिनमें इन किरदारों ने कई फिल्मों में जान भरी है। बता दें हर स्टार अपने किरदार में जान फूंकने के लिए हर कसौटी में खरे उतरने की कोशिश करता है जिससे उसकी फिल्म हिट हो जाए। तो ऐसे बता दें कि कई बार ऐसे स्टार्स भी होते हैं जो अपने किरदार को मानो घोल कर ही पी लेते हैं और कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि उनके फैंस कुछ ऐसा हैरान भी हो जाते हैं। तो आपको हम अब दिखाते हैं कि ऐसे स्टार्स जिन्होंने अपने किरदार में जान फूंकने की कोशिश की थी और अपना अलग रंग और रूप भी बदल डाला था। बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान की फिल्म जीरो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बुरी तरह पिटी थी, लेकिन उनके लुक की काफी चर्चा हुई थी जिसमें उन्होंने एक बौने का किरदार निभाया था। वहीं बात करते हैं थलाइवा फिल्म की, जहां थलाइवा फिल्म में जयललिता बनने की काफी कोशिश की थी कंगना रनौत ने और वो फिल्म की काफी चर्चा भी हुई थी और उस फिल्म में कंगना रनौत के लुक की भी काफी चर्चा हुई थी, जहाँ वो फिल्म काफी हिट भी गई थी और वहाँ दूसरी ओर इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार में काफी जान लगाने की भी कोशिश की। वहीं दूसरी ओर बात करें राबता फिल्म में, तो राबता फिल्म में राजकुमार राव ने काफी खौफनाक लुक उन्होंने अपनाया था। इतना खौफनाक लग रहा था कि वो उस फिल्म में पहचाने भी नहीं जा रहे थे कि ये राजकुमार राव है। वहीं दूसरी ओर बात करें पा फिल्म की, तो वहां भी अमिताभ बच्चन ने अपने अलग रूप से लेकर दर्शकों को चौंका भी दिया था। वहीं बात करें लारा दत्ता की, तो लारा दत्ता ने उनकी फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में भी इंदिरा गांधी का किरदार निभाकर अपने अलग रूप में और अपने किरदार में जान डालकर भी काफी मेहनत की थी और उस लुक की भी काफी चर्चा हुई थी। वहीं सबसे आखिरी में आती है 2021 की सबसे बेस्ट रही फिल्म पुष्पा द राइज, जहाँ अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में सभी दर्शकों को हैरान ही कर दिया था। पुष्पा द राइज जैसे लुक में वो दूसरी उनकी फिल्म ऐसे किरदार नहीं निभाई थी और अल्लू अर्जुन की काफी चर्चा हुई थी इस लुक के साथ। तो 90% ऑडियंस तो यही उम्मीद करती है कि पुष्पा 2 में भी अल्लू अर्जुन का पुष्पा द राइज जैसा लुक ही दिखाई दे। तो क्या आप ये भी यही चाहते हैं कि उनका पुष्पा 2 में भी ऐसा ही लुक हो या कोई और लुक हो, ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। है पुष्पा का केशव, किन फिल्मों में नजर आ चुके हैं जगदीश प्रताप भंडारी? क्यों बढ़ जाएगी पुष्पा 2 में केशव की जिम्मेदारी? पुष्पा द राइज आप में से कई लोगों ने देख ली होगी, हर किरदार के बारे में जाना और पढ़ा भी होगा। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के गानों और डायलॉग्स को फॉलो भी किया होगा, लेकिन क्या आपने केशव का किरदार उस पर गौर किया है? जी वही केशव उर्फ जगदीश प्रताप भंडारी, जिसने साये की तरह हमारे पुष्पा का साथ दिया, उन्होंने उनके हर सुख दुख में उनका साथ दिया। शुरू में तो लगा कि उनकी गुरु और चेले वाली जोड़ी दिखाई देगी, लेकिन बाद में ये दोस्ती कब इतनी पक्की हो गई कि जय वीरू की याद आ गई। फिल्म में केशव की एंट्री तब होती है जब वो अपने मालिक के साथ एक कारखाने में रहता है। वहाँ पुष्पा को पैर पर पैर टिकाए बैठा देख वो पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन जब उसकी बातें सुनता है तो और इम्प्रेस हो जाता है। जैसे पुष्पा अपनी नौकरी को लात मार कर छोड़ देता है, वैसे ही वो उससे प्रेरित होकर पुष्पा के साथ खो लेता है और उसके साथ में रहने को कहता है। बाद में पुष्पा भी उसे अपने साथ हर जगह ले जाता है। हर सीन में वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, शिवल्ली के मामले में भी केशव का किरदार बहुत सपोर्टिव दिखाया गया है। पुष्पा को जब शिवल्ली पलट कर देखती है, तब वही केशव अपने दोस्त को खुश करने के लिए अपना दिमाग लगाता है और रश्मिका की सहेलियों को पूरे 1000 रुपए देकर अल्लू अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराने के लिए कहता है। वो देखते देखते उसका दाया हाथ बन जाता है, जो अंत में उसका पूरा बैंक बैलेंस वगैरह देखने लग जाता है। फिल्म पुष्पा देखने के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर खुद को केशव बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो पूरी फिल्म में ऐसा किरदार था जिसने दोस्ती और वफादारी की मिसाल दी। कभी मन में कोई खोट नहीं आया।
वो पुष्पा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता था। बता दें केशव का असली नाम जगदीश प्रताप भंडारी है। इन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम किया है। 18 जनवरी 1993 को इनका जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस इनकी तेलंगाना है। सोशल मीडिया पर ये एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 13,600 फॉलोअर्स और ट्विटर पर 4,180। परिवार की बात करें तो इनकी माँ का नाम ललिता भंडारी है और पिता का नाम चंद्रमौली भंडारी है। दो बहनें भी हैं जिनका नाम दिव्या और रचना है। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि इनके पिता इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में भेजना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपना करियर एक्टिंग में बनाया। एक्टर ने हालांकि इंडस्ट्री में आने से पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम किया था। इसमें वो थिएटर्स में फ्रेंच फ्राइज और स्वीट कॉर्न की सप्लाई किया करते थे, लेकिन बाद में ये तेलंगाना से हैदराबाद आ गए। यहां बड़ी मशक्कत के बाद प्रोडक्शन हाउस प्रसाद स्टूडियो ने अपनी एक शॉर्ट फिल्म में इन्हें रोल ऑफर किया। जगदीश प्रताप भंडारी 2018 में माइक टीवी से यूट्यूब के शो निरोद्योग नटलू में नजर आए थे। इसके बाद इन्होंने 2019 में आई तेलुगु वेब सीरीज गॉड ऑफ धर्मापू री में काम किया था। ये Z5 पर स्ट्रीम हुई थी। इसके बाद इन्हें जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो मालेशम में अंजी के किरदार से। ये फिल्म चिंता किदी मालेशम के लाइफ पर आधारित थी। इसके बाद इन्होंने एक और बायोपिक में काम किया, गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्ज रेड्डी की कहानी। इनकी लाइफ पर बनी ये फिल्म भी नायक नाम के राइटर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद इन्होंने 2020 में रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज कोथा पोराडू में काम किया। इसमें इनका किरदार एक गांव के सीधे साधे लड़के का था जिसके पिता की मौत हो जाती है और पिता द्वारा लिए गए कर्ज का भुगतान इनको ही करना होता है। इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आई जो समाज की जाति व्यवस्था पर आधारित थी, उसमें काम किया इन्होंने। फिल्म का नाम पलासा 1978 था। फिर 2021 में पुष्पा आई जिसमें इन्होंने केशव का किरदार निभाया और अब 2022 में जो इनकी अगली फिल्म है वो है क्राइम ड्रामा थ्रिलर जिसका नाम है पिक पॉकेट। हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट का अता पता नहीं, लेकिन प्रमोशन जोरों शोरों से हो रहा है। साथ ही 2023 में आने वाली पुष्पा 2 में भी ये जोरदार भूमिका निभाने वाले हैं, जिसमें ये फिर से जय वीरू की भूमिका अदा करते नजर आएंगे। केशव का रोल पहले से ज्यादा पक्का और डेडिकेटिंग होने वाला है, क्योंकि पुष्पा 2 में पुष्पा की शादी हो जाएगी और केशव की जिम्मेदारी शिवल्ली की रक्षा करने की होगी, जिसमें केशव को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब केशव वो रोल कितने डेडिकेटिंग तरीके से निभाएंगे ये सिर्फ पुष्पा 2 ही बता सकती है। आपको फिल्म पुष्पा 2 का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पुष्पा हीरो है या फिर विलन? क्या जापान के बॉर्डर्स पर मूवी का परचम लहराएगा? कहानी में ऐसे कौन से ट्विस्ट हैं जो बनेंगे पुष्पा के लिए सबसे बड़े डाउनफॉल? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पुष्पा मूवी बाहुबली के बाद सबसे ज्यादा हिट और फेमस मूवी बन चुकी है। इस मूवी के डायलॉग्स और अल्लू अर्जुन के एक्टिंग के सब दीवाने हो चुके हैं और सबसे ज्यादा अर्न करने वाली मूवी का टैग भी इस साल इस फिल्म को मिल चुका है। अल्लू अर्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया कि पुष्पा का सेकेंड पार्ट भी अब रिलीज किया जाएगा और उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इस पार्ट में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे जिसमें पुष्पा फेस करेगा बहुत ही बड़ा डाउनफॉल। पुष्पा पार्ट 1 में दिखाया जाता है कि कैसे वो राजा की गाड़ी तक पहुंचते हैं, पर सेकंड पार्ट में अल्लू अर्जुन यानी हमारे पुष्पा का राजगड्डी को संभालना और चलाना बाकी है। इस मूवी के सीक्वल से एक और पॉसिबिलिटी सामने आई है कि पुष्पा गैंगस्टर नहीं बल्कि ये अंडरकवर ऑफिसर है जो सारे स्मगलिंग से जुड़े लोगों का खात्मा करने के लिए अपने मिशन में काम कर रहा है। तो ये कहना मुश्किल है कि पुष्पा एक हीरो है या विलन, बट इतना तो पक्का है कि पुष्पा पार्ट 2 में ट्विस्ट से धमाका मचाने वाला है। पुष्पा मूवी में जापान के सीन्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मूवी इंटरनेशनल बेसिस पे शूट होगी और कहानी में बहुत मजा आने वाला है। जापान से रिलेटेड पुष्पा की कहानी एक गिटार के जरिए दिखाई जाएगी। जापान में एक लाल चंदन का गिटार होता है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है और इसको इंडिया से जापान पहुंचाने का काम हमारे पुष्पा करते हैं। पुष्पा पार्ट 1 के हिसाब से अगर पार्ट 2 में अनहोनी दिखानी है और ट्विस्ट के चर्चे हैं, तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि कहानी को नया मुकाम देने के लिए दोस्ती और प्यार दोनों ही गवाह बैठेंगे हमारे पुष्पा भाऊ। कहानी में शिवल्ली की मौत दिखाई जा सकती है जिसमें पुष्पा पूरी तरह से टूट जाएगा और शिवल्ली की यादों में खोए हुए अपने गम में जीने लगेगा। कहानी में उनके बेस्ट फ्रेंड ही बनेंगे उनके दुश्मन, क्योंकि अपना बदला लेना पुष्पा 2 में होगा उनका पहला मिशन। इन दो ट्विस्ट की वजह से पुष्पा फेस करेगा एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल, जिसमें हो सकता है पुष्पा मिडल ऑफ द स्टोरी लाइन झुक जाए, पर कहानी के अंत में उनको अपना डायलॉग और एटीट्यूड फिर से वापस मिलेगा और वो अपने दुश्मनों से बदला लेकर एक बार फिर रूल करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, क्या कहा रश्मिका ने पुष्पा के बारे में? क्यों नहीं होंगे अल्लू अर्जुन इस फिल्म का पार्ट?
कौन होगी फिल्म की फीमेल लीड। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। गाइस, ये तो आप सभी को पता ही है कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने फैंस के दिलों को जीतना बखूबी जानते हैं और न सिर्फ उनकी एक्टिंग बल्कि उनके अंदाज के भी फैंस दीवाने हैं। अब अगर बात करें उनके सुर्खियों में बने रहने की तो अल्लू अर्जुन सुर्खियों में बने रहना बहुत बेशुमारी से जानते हैं। अब उनकी फिल्म पुष्पा को ही देख लीजिए, आज भी लोगों की जुबान पर फिल्म के गानों से लेकर डायलॉग्स तक सभी इस कदर है कि लोग न सिर्फ फिल्म के पहले बल्कि दूसरे पार्ट यानी पुष्पा 2 का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से फैंस को फिल्म के दूसरे पार्ट के आने के अनाउंसमेंट के बारे में पता चला है तब से वो फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर फिल्म के ट्रेलर या पोस्टर को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। पर दोस्तों, फिल्म की स्टार कास्ट के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 में हमें शायद सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने बिजी शेड्यूल और डेट्स ना खाली होने के कारण देखने को नहीं मिलेंगे। पर जब साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कह के टाल दिया कि फिल्म के दूसरे पार्ट की स्टोरी और क्लाइमेक्स जबरदस्त होंगे। पर दोस्तों, अब लोगों के दिल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों अल्लू अर्जुन इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे और क्या फैंस अल्लू अर्जुन के बिना इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे और क्या रीजन है कि अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म से अलग होने का फैसला किया है। आप जल्दी से अपनी राय हमें कॉमेंट्स में बता दीजिए दोस्तों। पर दोस्तों, अब देखना ये है कि आखिर कब रिलीज होगा साउथ की सुपर हिट फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर, क्या एक बार फिर फिल्म लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल होगी। खैर दोस्तों, ये तो थी फिल्म और फिल्म के स्टार से जुड़ी कुछ बातें। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप पुष्पा 2 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। खासकर रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं अल्लू अर्जुन। क्या है बाहुबली और पुष्पा 2 का कनेक्शन? क्या कहा फिल्म के डायरेक्टर ने पुष्पा 2 के बारे में? पुष्पा, ये नाम सुन के आप क्या समझते हैं, फ्लावर या फायर? गाइज, ये बात तो आप सभी को पता है कि इस फिल्म यानी पुष्पा को लोगों ने कितना पसंद किया और न सिर्फ फिल्म बल्कि फिल्म के स्टार्स को भी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। फिल्म के गाने और डायलॉग्स आज भी लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम पुष्पा फिल्म की तारीफ क्यों कर रहे हैं, है ना? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आज हम फिल्म पुष्पा की इतनी बातें कर रहे हैं। दरअसल जब पुष्पा रिलीज हुई थी तो फैंस को ये फिल्म इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने फिल्म के मेकर्स से फिल्म के दूसरे पार्ट की भी मांग की, जिसके बाद मेकर्स को भी ऐसा लगा कि उन्हें एक बार फिर पुष्पा का दूसरा पार्ट यानी पुष्पा 2 बनाना चाहिए। पर पुष्पा 2 के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि फिल्म के मेकर्स पुष्पा को हिंदी में रिलीज नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी। पर लॉकडाउन के बावजूद भी फिल्म को फैंस का इतना प्यार मिला कि मेकर्स ने फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रभास और अल्लू अर्जुन का क्या रिलेशन है तो आप क्या कहेंगे? चलिए हम बताते हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन चाहते हैं कि उनकी फिल्म पुष्पा 2 बाहुबली का रिकॉर्ड ब्रेक करे। जी हाँ, फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अल्लू अर्जुन बाहुबली का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं। और इसलिए फिल्म के स्क्रिप्टिंग और शूट में इतना वक्त लग रहा है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर क्यों अल्लू अर्जुन ने सिर्फ बाहुबली फिल्म की ही बात की है और क्या सच में पुष्पा 2 बाहुबली का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? अब इन सवालों का जवाब तो फिल्म के रिलीज के बाद ही मिल पाएगा। खैर, ये तो थी फिल्म और फिल्म के शूट और रिलीज से जुड़ी कुछ बातें, पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी फिल्म से जुड़ी हमारी ये इन्फॉर्मेशन और डायरेक्टर के इस डिसीजन के बाद क्या आप भी सोच रहे हैं कि क्या होगी पुष्पा 2 की कहानी, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या आपको भी है फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार? किस एड के प्रपोजल को ठुकराया अल्लू ने? क्यों बॉलीवुड स्टार्स करते हैं ज्यादा एड? क्या अल्लू अर्जुन का फैंस के लिए मोटिव? साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा द राइज की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अब भारतीय सिनेमा के टॉप एक्टर्स से एक बन गए हैं। एक्टर्स को एक पान मसाला कंपनी से एक विज्ञापन के लिए मोटी रकम मिली थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने बिना सोचे समझे इसे रिजेक्ट कर दिया। जब इसके पीछे की वजह को टटोला गया तो पता चला कि अल्लू अर्जुन पर्सनली तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते हैं कि उनके फैंस ये ऐड देखें और उस प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दें। इससे पहले कई एक्टर्स ऐसे ऐड कर चुके हैं जिसे पर वो खुद भी ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं
और लोगों ने उन्हें ये भी कहा था कि आप ही लोग अपने फैंस को ऐसे करने पर मजबूर करते हो, फिर कहते हो कि गुटखा तंबाकू लोगों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। बता दें अल्लू अर्जुन बाकी स्टार से काफी अलग हैं। वो पेड़ लगाने जैसी आदतों का समर्थन करते आए हैं जिनका व्यक्ति और पर्यावरण पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अल्लू अर्जुन के करीबी का कहना है कि फिल्मों में धूम्रपान करना एक्टर के हाथ में नहीं है, हालांकि जब भी संभव हो उन्हें इस विचार के खिलाफ होने का संदेश दिया है। ये भारतीय फिल्म उद्योग के लिए नया है। एक तरफ जहां तेलुगु अभिनेताओं सहित शीर्ष नायक मोटी रकम का लेने के बाद किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में संकोच नहीं करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के लिए ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है बल्कि उनके फैंस और समाज की भलाई के बारे में भी है। बता दें अजय देवगन शाहरुख खान के बाद हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक पान मसाला के एड में शामिल हुए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से ही अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि अक्षय ने अपने कई इंटरव्यू में कहा था कि गुटखा कंपनियों की उन्हें करोड़ों के ऑफर्स देती हैं लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देते हैं। तो उसी पर अब अक्षय और ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं कि अब क्यों ये ऐसे ऐड कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही बता दें कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा पिछले साल रिलीज हुई थी जिसने ज़बरदस्त कमाई की थी। अब फैंस उनकी पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे बॉलीग्राड स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसको डेट करती थी रश्मिका मंदाना, किसका हुआ ब्रेकअप, क्या है रश्मिका के सीक्रेट हेल्थ टिप्स। दोस्तों रश्मिका मंदाना का कौन फैन नहीं है, यह अक्सर सुर्खियों में रहती है। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स शेयर करते रहती हैं। रश्मिका अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करती हैं। वो जिमिंग के साथ साथ योगा, डांसिंग, स्किपिंग, स्विमिंग और ब्रिस्क वॉक करती हैं। इन सब के अलावा वो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रश्मिका वेट लिफ्टिंग भी करती है। रश्मिका के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो जल्द सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म मिशन मजनू में नजर आ सकती हैं। क्या आपको पता है रश्मिका ने अपनी पहली फिल्म के बाद अपने को एक्टर को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद साल 2017 में दोनों ने अपने होम टाउन जाकर सगाई भी कर ली थी। फिल्म में दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया था लेकिन कुछ टाइम के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। बता दें कि रश्मिका के रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की र्यूमर्स भी सामने आई है। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म गीता गोविंदम में दोनों ने एक साथ काम किया, दोनों की मुलाकात इसी सेट पर हुई। इस फिल्म की वजह से ही दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। फिल्म के हिट होने के बाद रश्मिका को बड़े फिल्मों के भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलने लगे। दोस्तों फिल्म के सक्सेस के बाद रश्मिका ने अपनी सगाई को ठुकरा दिया और अपने करियर को चुना, जिसके बाद साल 2019 में इनको डियर कॉमरेड फिल्म में काम करने का मौका मिला। आपको बता दें इस फिल्म में रश्मिका के साथ विजय ने काम किया एंड फैंस को इन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लेकिन उस वक्त रश्मिका अपने ब्रेकअप को लेकर काफ़ी अपसेट थी। इन सब के होते हुए विजय देवरकोंडा ने रश्मिका को काफ़ी सपोर्ट किया, सेट पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो रश्मिका के साथ ही बिताते थे। वो रश्मिका के ब्रेकअप के बाद उनको लाइफ में मूव ऑन होने की सलाह देते, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो रश्मिका देवरकोंडा से दूर होने लगी। रश्मिका उस वक्त किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार नहीं थी एंड उनका कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस रहना चाहती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुष्पा फिल्म के बाद बहुत जल्द वो पुष्पा 2 में भी नजर आएंगी। सुनने में आया है कि अगले साल यानी कि साल 2023 के अप्रैल या मई के महीने में ये फिल्म रिलीज हो सकती है। बात करें पुष्पा 2 फिल्म की तो ये फिल्म कब रिलीज होगी ये तो जल्द ही पता चलेगा। फिलहाल बात करें पुष्पा फिल्म की तो ये फिल्म फैंस को काफ़ी पसंद आई थी। इसमें अल्लू अर्जुन के रोल को बहुत पसंद किया गया था। साथ ही साथ इसकी शूटिंग मई में एक्सपेक्ट की जा रही है। अब रिलीज होगी पुष्पा 2, कौन होंगे फिल्म के लीड एक्टर्स, आखिर क्यों है अल्लू अर्जुन सुर्खियों में। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। गाइस ये तो आप सभी को पता है टॉलीवुड का क्रेज बस बढ़ता ही जा रहा है और न सिर्फ फिल्मों का बल्कि साउथ स्टार्स की भी फैन फॉलोइंग बस बढ़ती ही जा रही है। फिल्मों के पहले पार्ट्स रिलीज होने के बाद से ही लोग फिल्म के सीक्वल और प्रीक्वल का इंतजार करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम टॉलीवुड की इतनी बातें क्यों कर रहे हैं,
तो चलिए आपको बताते हैं कि साउथ फिल्मों और एक्टर्स को याद करने का हमारा रीजन भी एक साउथ सुपरस्टार ही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की। गाइस ये तो आप सभी को पता ही है कि उनकी एक्टिंग के लोग किस कदर दीवाने हैं। ना सिर्फ उनकी एक्टिंग बल्कि उनका स्टाइल भी एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों को उनका दीवाना बनाने का। वैसे अगर बात करें हाल फिलहाल की, तो आजकल अल्लू अर्जुन काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं अपनी फिल्म पुष्पा के दूसरे पार्ट के लिए। कैसे तो आप सभी को पता ही है कि फिल्म पुष्पा ने किस कदर फैंस का दिल जीत लिया था। फिल्म के गानों से लेकर पुष्पा के स्टाइल तक हर किसी के लोग दीवाने हो गए थे। ऐसे में फिल्म का दूसरा पार्ट बनना तो लाजमी है। फैंस का प्यार और पुष्पा की सफलता देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट को रिलीज करने की भी अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान की थी, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट डबल हो गई है और वो फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। फिल्म की कहानी से जुड़ी बातों पर साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि फिल्म पुष्पा का दूसरा पार्ट और भी ज्यादा एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग होगा, पर उन्होंने फिल्म के रिलीज डेट और कास्ट से जुड़ी कोई भी बात नहीं की है, जिसके बाद फैंस फिल्म के ट्रेलर रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर दोस्तों अब देखना यह है कि आखिर कब रिलीज होगा अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा का सेकेंड पार्ट। कौन से एक्टर्स एक बार फिर जीतेंगे फैंस का दिल पुष्पा के बेहतरीन अंदाज के साथ। खैर दोस्तों, ये तो थी फिल्म और फिल्म के स्टार से जुड़ी कुछ बातें। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि क्या आप भी सोच रहे हैं कि क्या होगी पुष्पा 2 की कहानी, क्या अल्लू अर्जुन होंगे फिल्म के दूसरे पार्ट का हिस्सा, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या आपको भी है फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार। जल्दी से अपनी राय हमें कमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। क्या फिल्म पुष्पा जैसी फिल्म जो कि बेस्ड है रेडवुड स्मगलिंग पर आज तक टॉलीवुड में बनी नहीं है? कब की गई फिल्म की शूटिंग रिज्यूम? क्या अनाउंसमेंट की फिल्म की टीम ने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट और लिखा गया है सुकुमार ने। फिल्म में हमें बतौर लीड एक्टर अल्लू अर्जुन दिखने वाले हैं, जिन्होंने की फिल्म की अनाउंसमेंट भी की थी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना फिल्म के लीड एक्टर अपनी फिल्म पुष्पा की शूटिंग को फिर से शुरू किया 10 नवंबर 2020 से। फिल्म की टीम ने अनाउंसमेंट की मंडे के दिन एक वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया पर, जहां प्री प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं वीडियो में हमें डायरेक्टर सुकुमार के साथ अल्लू अर्जुन बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और बाद में उनके लुक को दिखाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। फिल्म की टीम सेट पर मास्क पहने नजर आती है। अल्लू अर्जुन की टीम AA सिग्नेचर के मास्क पहने नजर आ रही है। वहीं प्री प्रोडक्शन के लोगों ने लिखा है मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड हैशटैग पुष्पा शूट रिज्यूम्स फ्रॉम नवंबर 10th। अल्लू अर्जुन लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम किसी शूट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने उनके हेयर लॉन्ग रखे थे। इवन जब दग्गुबती और निहारिका की शादी पर गए थे तब भी उनके फिल्म में उनके लुक मेंटेन रहे। वहीं दोस्तों अल्लू अर्जुन ने जब उनकी फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया था तब ऑडियंस की तरफ से ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला था। अल्लू अर्जुन का रस्टिक अवतार फर्स्ट टाइम ऑडियंस को देखने मिला। फिल्म का कंसेप्ट रेड सैंडलर्स स्मगलिंग पे है, जिसने के अनुसार फिल्म में ड्रामा और लुक्स रहेंगे। डायरेक्टर सुकुमार ने फिल्म को जरा सा स्विच दिया अर्बन स्टोरीज को रस्टिक ड्रामा से उनकी लास्ट फिल्म रंगस्थलम से, जिसमें भी हमें रामचरण और समंथा अक्कीनेनी को मेकओवर दिखाया था अनसूनिया भारद्वाज को छोड़कर। 7 महीने के बाद ब्रेक के बाद अब फिल्म के लीड कास्ट रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन ने फिल्म की शूटिंग दोबारा से स्टार्ट की है। वहीं फिल्म पुष्पा की कुछ सीन्स की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जो कि शेषाचलम के जंगल में तिरुपति में हुई थी। वहीं फिल्म की शूटिंग लॉकडाउन से पहले तिरुपति हुई थी। फिल्म पुष्पा में डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन थर्ड टाइम साथ काम करने वाले हैं। अल्लू अर्जुन ने और डायरेक्टर सुकुमार ने आर्य और आर्य 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में साथ काम किया है। एक इंटरव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन ने बताया कि उन्होंने पुष्पा का प्रोजेक्ट क्यों लिया। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट सुनने के बाद उन्हें स्क्रिप्ट और कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगे और वो काफी एक्साइटेड भी हो गए। मुझे लगता है कि फिल्म पुष्पा एक ऐसी फिल्म है जिसे कभी भी बॉलीवुड या टॉलीवुड में बनाया नहीं गया है, और स्पेशली रेडवुड स्मगलिंग पर। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को, और मिलते हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज की अगली वीडियो में कुछ नई और चटपटी बातों के साथ। पुष्पा आखिर रिलीज से पहले किसने इसे देख लिया है? क्या वाकई ये KGF को टक्कर देने को तैयार है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों पुष्पा के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है। और एक साउथ की सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें ये एक्टर है मुची बाबू। इन्होंने सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म
उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी गया था। प्रिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। बुच्ची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात KGF की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुच्ची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है कि नहीं। क्योंकि KGF के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अगर बुच्ची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना KGF से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो है वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि KGF का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो KGF है। तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये KGF को टक्कर दे पाएगी। साउथ के 2 बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे, और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया है KGF का, जो कि धांसू है। तो कांटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का, और क्या लगता है अगर पुष्पा और के रश्मिका मंदाना से क्यों हुई ऑडियंस खफा, क्यों रश्मिका मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजन्स का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीवुड स्टूडियोज में। पुष्पा इंडिया की अपकमिंग पैन इंडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लिए ऑडियंस बेहद ही एक्साइटेड है। एक तो बाहुबली और KGF के बाद फिर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ऑन एंटरटेनमेंट की सौगात मिलने वाली है। ऊपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है। इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश द क्यूटी रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है। जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल 7वें आसमान पर होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस गलती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खतरा बन सकती है, तो क्या है वो? दरअसल कुछ साल पहले जब रश्मिका के करियर उड़ान के लिए पंख फैला ही रहा था तब एक इंटरव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ऑफ का नाम पूछा गया। काफी झिझकते हुए उन्होंने नाम लिया KGF एक्टर रॉकिंग स्टार यश का। फिर क्या था, यश की फैंडम ने भारी मात्रा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया, उनके इसके नाम से पूरे मीडिया को हिलाकर रख दिया। आखिर में हार कर खुद रश्मिका ने यश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने फैंस से ये सब तुरंत रोकने को कहा था। उन्होंने कहा कि वो रश्मिका एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के भी बारे में ओपिनियंस रखने की पूरी आज़ादी है, इसके उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मिका को उनके नाम पर हैरेस करे। ये सब कहा KGF स्टारर यश ने। आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन अब जब रश्मिका और यश दोनों ही स्टारडम की ऊंचाइयों पर है तो अक्सर उनसे जुड़ी खबरें यूं ही सरफेस पर आती रहती है। ऐसे में कई अतीत में रश्मिका के मुंह से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे। वैसे भी आजकल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पड़ने का ट्रेंड चल रहा है। खैर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा की सक्सेस पर भी असर डाल सकता है ये फिर फिल्म बिना कर चुका है। और एक साउथ के सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें ये एक्टर है बुच्ची बाबू, इन्होंने सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी गया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है।
फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। बुची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात KGF की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है कि नहीं, क्योंकि KGF के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अगर बुची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना KGF से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि KGF का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो KGF है। तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज़ होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये KGF को टक्कर दे पाएगी। साउथ के 2 बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे, और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है KGF का, जो कि धांसू है। तो कांटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का, और क्या लगता है अगर पुष्पा और KGF की भिड़ंत होगी तो कौन आगे निकलेगा? क्या एक झूठ पड़ जाएगा पुष्पा के पीछे हो रही लाख मेहनत पर भारी? तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीकैट स्टूडियोज में। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पॉपुलैरिटी को केवल उनकी इंडस्ट्रीज में नापा जाता था। अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेटेड का टाइटल मिलता है, जिनका इंतजार कोई तेलुगु, कन्नड़ा या बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं बल्कि होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं। और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडस्ट्री ने लीडिंग पोजीशन हासिल कर रखी है। इन्हीं मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा, जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फिल्म की एक्साइटमेंट को 4 गुना बढ़ा देती है। लेकिन कहीं अल्लू अर्जुन पर लग रहे इन इल्जामों से पूरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए, तो आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस कंट्रोवर्शियल कहानी की शुरुआत होती है एक ट्वीट और एक अनाउंसमेंट से। वैसे तो अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए ये एक बेहद सुखद घोषणा थी, लेकिन शायद खुद अल्लू के लिए ये इतनी लकी नहीं रही। दरअसल साउथ के फेमस प्रोड्यूसर बनीवास और अल्लू अर्जुन काफी अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में बनीवास का बर्थडे मनाने अल्लू मुंबई गए थे, जहां वास किसी काम में बिजी थे। ये वाकई उनके लिए एक हार्ट वार्मिंग सरप्राइज था, जो कि कुछ ही समय में अल्लू के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया। एक्चुअली वास ने अल्लू की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंसमेंट की, जिसमें पुष्पा, वेणु श्रीराम की आइकन पुष्पा 2, बोयापति श्रीनु डायरेक्टेड फिल्म कोराटाला सिवा की फिल्म और AR मुरुगा डॉस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टर के पास इतनी फिल्में होना तो खुशी की बात है, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने एक्टर को मुसीबत में डाल दिया। पहला कारण तो ये कि एक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंसमेंट यूं नहीं करते हैं, अनलेस उन पर काम जल्द ही शुरू होने वाला हो या हो चुका हो। प्लस इस लिस्ट में AR मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है, जिसे अल्लू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इसके लिए राम कोथिनेनी को अप्रोच किया गया था। अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंसमेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रोड्यूसर्स को एक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था, या फिर बाकी एक्टर्स को कंपटीशन देने के लिए, जिनकी अपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है। अब डर तो यही है कि कहीं इस स्टंट का अल्लू के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइमलाइट और दिखावे के लिए डेस्परेट ना समझे। तो चलिए आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक एक्साइटेड और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज्ड एजेंडा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बाहुबली के ग्रैंडर और उसके बाद KGF की सुनामी के बाद अब ऑन स्क्रीन पुष्पा उतर रही है अपना कहर जमाने। पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार द्वारा निर्देशित मूवी है, जिसको एक पैन इंडिया रिलीज मिलने वाली है।
और खास बात ये है कि इस मूवी के लीड रोल में हमको अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं। वैसे तो अल्लू अर्जुन का फैन बेस इंडिया में काफी समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है, लेकिन हाँ, इसका हाईएस्ट प्रोपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है। और शायद इसी प्रोपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अल्लू अर्जुन अपनी पैन रिलीज लेकर तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ के एक्टर प्रभास को क्या अल्लू अर्जुन टक्कर दे पाएंगे? बात दरअसल ये है कि अल्लू अर्जुन को प्रभास के बराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब मैं जानती हूँ आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी कंफ्यूजन दूर होती जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया रिलीज वाली मूवी पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुष्पा रेड सैंडलवुड की स्मगल की कहानी होने वाली है, जिसमें अल्लू अर्जुन काफ़ी खास किरदारों में नजर आने वाले हैं। जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाय प्रोफेशन होंगे, वहीं पर वो एक स्मगलर बाय क्राइम होंगे, और इसीलिए मूवी का ज़्यादातर पार्ट उनको पकड़ने में और उनके छुपने और भागने के लाजवाब तरीकों को दिखाने में ही निकल जाएगा। अब खास बात ये है कि बॉक्स ऑफिस पर बाकी कंपटीशन और क्रिटिसिज्म के साथ साथ उनको एक बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पा का सबसे बड़ा कंपटीशन क्रिटिसिज्म या बॉक्स ऑफिस पर आई और कोई मूवी नहीं बल्कि प्रभास की सलार से होने वाला है। इन दोनों फिल्मों के बीच में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है। पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों साउथ के बहुत फेमस एक्टर्स हैं और बॉलीवुड में अपना नाम जमाने की कोशिश में हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ की लंबी लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। दरअसल दोनों मूवीज़ की शूटिंग तेलंगाना में हुई है और तेलंगाना के एक ऐसे जगह पर जहाँ पर उसको कोल माइन कहा जाता है। अब पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि पुष्पा एक स्मगलर से जुड़ी कहानी है, लेकिन क्योंकि शूटिंग फिल्म की कोल सिटी जैसी जगह पर हो रही है, तो हम लोग ये गैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ स्मगलिंग से रिलेटेड ज़रूर मिल जाए। अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में, तो अभी KGF भी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अब ऐसा नज़र आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थ्योरी और वाले ओपिनियन से निकलकर रियलिटी को हिट कर रहे हैं और अब जाकर ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं जिनमें एक्चुअली मरना मारना जायज़ लगेगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म की रिलीज़ कैसी रहेगी और बॉक्स ऑफिस पर वो कितनी टक्कर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को। और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज़्यादा हिट करना पड़ेगा अपनी मूवी को, ताकि वो प्रभास वाले स्टैंडर्ड पे करंटली आ सकें। अब सिर्फ इतना ही नहीं, खास बात ये भी है कि ऑडियंस अब हीरोज़ को सिर्फ हीरो के कैरेक्टर में नहीं देखना चाहती। उन लोगों को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवीज़ में कहीं ना कहीं ये तीनों नेगेटिव कैरेक्टर होने वाले हैं जिनके एक्सप्लोरेशन के ऊपर ही मूवी घूमने वाली है। अब इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ और आसपास की रिलीज डेट, तो देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर का ताज। तो दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कैसे एक बार फिर पुष्पा ने ली KGF से इंस्पिरेशन? क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैंस का रिएक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें लॉरी ड्राइवर बने अल्लू अर्जुन रेड सैंडलवुड की तस्करी करते हुए नजर आने वाले हैं। सुकुमार डायरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को एक साथ देखने को मिलेगा। अल्लू की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग, जहां उनके डैशिंग हैंडसम अवतार में पेश होने की वजह से और उनके लुक्स की वजह से थिएटर्स में टिकट बिकती हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकट्स बिकने का,
इस बार उन्हें रगेड अवतार में दिखाया जाएगा, जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एक्साइटमेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एक्साइटमेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है। क्या और कौन, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं फिल्म से रिसेंटली जुड़े एक्टर फहाद फाजिल की। अगर आप अल्लू अर्जुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाई हार्ड फैन हैं, तो आप उनकी पुष्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजन का भी पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है? वेल, इसका जवाब तो फिल्म के ऑफिशियल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है, जिसमें फहाद को नेशनल अवार्ड विनर और पावर हाउस ऑफ मॉलीवुड के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ एक फेस ऑफ के लिए लाया गया है, लेकिन सुकुमार इसमें प्रशांत नील वाली गलती नहीं करना चाहते, जिनकी ब्लॉकबस्टर केजीएफ में गरुड़ा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपीयरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक बार में ही मर जाने के लिए रखा गया था। इसीलिए वो किसी ऐसे एक्टर की खोज में थे जिनके साथ ऑडियंस को सिर्फ फेस ऑफ ही नहीं बल्कि बिगेस्ट एवर फेस ऑफ देख पाने का थ्रिल आए, और ये कोशिश काफी कामयाब होती भी नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये इस न्यूज से इम्प्रेस्ड फैंस का मानना है। उनका कहना है कि फाजिल और अल्लू अर्जुन का कोलैबोरेशन, वो भी सुकुमार के डायरेक्शन में, इससे बेहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। वहीं एक और फैन ने कहा कि फहाद अपनी आंखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं। अल्लू अर्जुन के फैंस वाकई लकी हैं कि उन्हें इन दो सितारों की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इन दोनों की टक्कर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और अगर आपको है पुष्पा और केजीएफ के बीच कौन होगा इस रेस का अल्टीमेट विनर। पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है, जिसका डायरेक्शन सुकुमार कर रहे हैं। इस फिल्म में नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को एज लीडिंग लेडी का कास्ट किया गया है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में जितना क्रेज है उतना ही तनाव भी है। तनाव इसका कि केजीएफ सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का। जी हाँ, दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट्स तो ऑलरेडी दर्शकों के सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा? जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुष्पा से जुड़ी एक अहम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने की जिम्मेदारी वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के कंधों पर डाली जा चुकी है, जिन्होंने इसका पहला गाना तैयार भी किया था, जो खबरों के अनुसार सुकुमार और अल्लू अर्जुन के बेहद पसंद आया था, और गाना जुलाई के फर्स्ट वीक में ही दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार केजीएफ फैंस और पुष्पा फैंस आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केजीएफ की सक्सेस के पीछे म्यूजिक कंपोजर रवि पसरूर का स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिनकी कॉम्पोजिशन ऑडियंस को इतने पसंद आए कि हर 5 मिनट में एक आदमी का रिंगटोन में कोई ना कोई केजीएफ का सॉन्ग हमें सुनने को मिल ही जाता था। अब इस अनाउंसमेंट में कारण लोग इसे डीएसपी वर्सेस पसरूर की तकरार के तौर पर देख रहे हैं और जानता चाहते हैं कि दोनों में बेहतर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं, इसमें केजीएफ कनेक्शन क्या है, लेकिन आपको बता दें कि गाना डीएसपी ने लिखा है, वो स्पेशली फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगा। जी हाँ, और वो थी एक पार पैक तरीके से। और अगर आपको याद हो तो केजीएफ में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था, जिसे ऑडियंस ने बेहद पसंद भी किया था, और आज भी कई बार किसी ना किसी स्वैग वाले वीडियोस में हमें वो गाना सुनने को मिल ही जाता है। इसी कारण से लोग जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि पुष्पा का ये गाना केजीएफ के गाने को टक्कर दे पाएगा या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है, और दोनों फिल्मों से आप किसको वेट देना चाहेंगे, बताइए हमें कमेंट्स में। डायरेक्टर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा ने अनाउंसमेंट के बाद से ही सबकी नजरें अपनी ओर कर रखी हैं। इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेतहाशा प्यार मिला, जिसमें अल्लू अर्जुन के रग्ड लुक को तो खास तौर पर काफी एप्रिसिएशंस मिली। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है, जिसमें रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म का क्रेज ऑलरेडी अपने एक्सट्रीम लेवल पर है, पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में हैं।
अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है, और खासकर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हो जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है, तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना कि पूरी फिल्म पर। और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेकर्स ने फेमस म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के दरवाजे खटखटाए हैं। खबरें आ रही हैं कि देवी शंकर प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सुकुमार और अल्लू काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड नजर आ रहे हैं। ये सॉन्ग जुलाई के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि देवी शंकर प्रसाद इससे पहले भी अनंदम, कालू सुको वालनी, मन मधुदु, वर्षम और आर्या जैसी सक्सेसफुल कॉम्पोजिशंस इंडस्ट्री को दे चुके हैं, जिसमें से आर्या तो अल्लू अर्जुन की ही फिल्म है। इस तरह इन दोनों की कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी हिट रही है। देवी सर को इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर्स में गिना जाता है, और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना, क्योंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडस्ट्री के बैरियर्स को हटाकर पूरी इंडिया की ऑडियंस पर एक जैसा ही इम्पैक्ट करे, जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशंस बयान कर डाले। और देवी शंकर प्रसाद ऐसी काबिलियत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोजर्स में से एक है। यूं तो देवी शंकर प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलो कॉम्बिनेशन समझा जाता है, लेकिन रीसेंट सोशल मीडिया ट्रेंड्स के कारण अल्लू के बटा बमा सॉन्ग की मैसिव पॉपुलैरिटी के बाद देवी शंकर प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट हो गई है। अब वो इसे कैसे निभाते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो खैर, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं उपासना पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म पुष्पा ने मानो हर ओर तहलका मचा दिया है, खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अल्लू अर्जुन के इस नए अवतार के बाद। अल्लू अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया। और अगर वही बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टैंडर्ड ही रेस कर दिए हैं। वैसे भी अल्लू का नाम भारत के सबसे हैंडसम आदमियों में लिया जाता है, और उसके ऊपर से उनका ये रफ लुक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ता काट देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लुक के पीछे छुपा असली टैलेंट कौन है? नहीं, कोई नहीं, हम बता देंगे। तो दोस्तों, ये चीज तो आपने नोट ही की होगी कि हम कई बार एक्टर्स की तारीफ करते हैं। वाह यार, रणवीर कपूर तो पूरे संजय दत्त लग रहे हैं। क्या रणवीर सिंह ने कपिल पाजी का क्या लुक लिया है? हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वो अमिताभ बच्चन ही थे। लेकिन दोस्तों, उसके पीछे हुई मेहनत को रिकॉग्नाइज करना हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये बॉलीग्राड स्टूडियोज की नगरी है। यहाँ किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती, और इसीलिए आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे कि आखिर अल्लू अर्जुन के इस ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है। दरअसल सोशल मीडिया पर तहलका मचा देने वाला ये लुक असल में मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रीतिशील सिंह का देन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था, या फिर हैदर में शाहिद के लुक पर तालियां बजाई थी, या फिर बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेकअप ट्यूटोरियल सर्च किए थे, या फिर सो नॉट आउट में ऋषि और अमिताभ सर का लुक देखकर आप भूल ही गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं, या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया के लुक को देखकर हैरान रह गए थे, तो आपको बता दें कि आप अनजाने में प्रीतिशील के ही टैलेंट को सहार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर्स और उनके ये आइकॉनिक लुक
उन्हीं की देन है। इतना ही नहीं, मॉम, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज्यादा, हाउसफुल 3, बाला, पंगा, अंधाधुन, छिछोरे, मुल्क, पति पत्नी और वो जैसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी अगर हम उनकी टैलेंट की बात करें तो। अब आप इन सभी लुक्स को याद कीजिए और हमें ध्यान से बताइएगा कि आपको कौन सा लुक बेस्ट लगा था। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करेगा लाइक और शेयर और कर दीजिए। करने वाले हैं बॉलीवुड में डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बॉलीवुड राज स्टूडियोज के एक फ्रेश नए वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बाहुबली के बाद मेगा ब्लॉकबस्टर हिट मूवी वैकुंठपुरा मुल्लो ने एक पैन इंडिया मूवी न होने के बावजूद 200 करोड़ का कलेक्शन किया था। अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में घिरे हुए हैं। अल्लू अर्जुन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे र्यूमर्स मार्केट में खड़े हो चुके हैं, जहां मूवी को सेकेंड पार्ट में रिलीज करने का सोचा गया है। और डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस मूवी में विलेन की एंट्री फर्स्ट मूवी पार्ट के आखिर में होगी, जिससे जाहिर होता है कि शायद मेन एक्शन फिल्म को सेकेंड पार्ट में दिखाया जाएगा। मगर बावजूद उसके फर्स्ट मूवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा एक्शन और तबाहतोड़ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए हैं। इस मूवी में अल्लू अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा एक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं, ये बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं इस फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन की लवर का रोल भी निभाएंगी। इस फिल्म की शूटिंग साउथ के अलग अलग लोकेशंस में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज मूवी में चिट्टू डायलेक्ट में फिल्म के सभी डायलॉग्स बोलने हैं, जिसके लिए अल्लू अर्जुन अलग से एक लैंग्वेज एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी कर पाए। पुष्पा राज एक साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में पुष्पा राज मूवी को लेकर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि पुष्पा राज में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रश्मिका मंदाना इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। उन्होंने मूवी की शूटिंग को लेकर बताया कि कोरोना पैंडेमिक के बीच में भी काफी सारी सावधानियां बरतते हुए टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अल्लू अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ही इज वेरी सिंपल एंड स्वीट एक्टर। पुष्पा राज की शूटिंग का कुछ हिस्सा तेलंगाना के मोटुगुडेम विलेज में शूट किया गया है। मूवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अल्लू अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने अल्लू अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटरैक्ट भी किया। सेकेंड वेव के चलते पुष्पा राज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है। अभी भी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है। बीच में 28 अप्रैल को अल्लू अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी थी, जिसके कारण कुछ दिन तक अल्लू अर्जुन होम क्वारंटीन थे, जिसे वहां जा मूवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एज पर स्केड्यूल टाइम पर रिलीज कर पाना मुश्किल है। तो न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है और दूसरी रिलीज डेट दशहरा फेस्टिवल या फिर 17 दिसंबर के आसपास रखी जा सकती है। तो वहीं पुष्पा राज का पोस्टर और टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन रिलीज किया गया था। लॉन्च पर अल्लू ने अपने सभी रीजन के फैंस से उन्हें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने अपने नॉर्थ इंडियन, हिंदी और अदर रीजन के फैंस के लिए अपना ग्रेटिट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ऑडियंस का दिल जीत लिया। उनकी स्पीच के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नॉर्दर्न साइड में उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। हिंदी ऑडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अल्लू अर्जुन की बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है। अल्लू अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपना बॉलीवुड डेब्यू जरूर करेंगे। उनका कहना था कि बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा एडमायर भी किया जाता है। जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के एक्टर्स साउथ फिल्म्स में डेब्यू करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं,
वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा ऑडियंस गेन करना चाहते हैं। और पुष्पा राज की इस मैसिव प्री रिलीज सक्सेस के बाद से ही उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेस भी बना लिया है। अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, जहां बाकी तेलुगु एक्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उनका कहना है कि हर किसी की अपनी चॉइस है और हिंदी इंडस्ट्री का काम भी उन्हें काफी इंस्पायर करता है। फिलहाल उनका फोकस अपनी साउथ इंडस्ट्रीज की अपकमिंग मूवी पर है, सबसे ज्यादा पुष्पा राज पर है। अल्लू अर्जुन का बॉलीवुड में एज ए न्यू कमर आने के लिए फिलहाल कोई मूड तो नहीं है, मगर जल्द ही वो बॉलीवुड मूवीज में नजर आ सकते हैं। उन्होंने काफी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई। अल्लू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड्डी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया, मगर अर्जुन रेड्डी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है। आफ्टर दैट अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा में नजर आ सकती है। सोर्सेस की माने तो श्रद्धा कपूर पुष्पा राज मूवी में एक आइटम सॉन्ग परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। इस आइटम सॉन्ग के लिए उनसे पहले उर्वशी रौतेला और दिशा पटानी जैसी टॉप परफॉर्मर्स को भी अप्रोच किया जा चुका है, लेकिन श्रद्धा कपूर और प्रभास सारर मूवी साहो में श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना नाम काफी बेहतरीन तरीके से जमा लिया और साउथ इंडस्ट्री के फैंस की नजरों में भी वह काफी पसंद की गई हैं। और उनकी इसी पॉपुलैरिटी के कारण उन्होंने बाकी सभी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़कर पुष्पा मूवी में अपनी जगह कंफर्म कर ली है। पुष्पा राज एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जिस वजह से उसके हिंदी डब वर्जन के लिए एक हिंदी आइटम सॉन्ग तैयार किया जा रहा है, जिस पर श्रद्धा कपूर परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। इस सॉन्ग से नॉर्थ इंडियन सिनेमा या कहें तो हिंदी सिनेमा जगत के फैंस के बीच एक क्रेज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पैन इंडिया फिल्म में अक्सर ये चीजें दिखाई देने को मिलती हैं, जैसा कि केजीएफ के चैप्टर 1 में भी मोनी रॉय गली गली सॉन्ग पर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद बॉलीवुड में हिंदी ऑडियंस के बीच केजीएफ चैप्टर 1 को लेकर काफी पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आई थी। उस सॉन्ग के सेम फॉर्मूले को ही यूज किया गया है इस बार भी। अगर बात करें केजीएफ के ओरिजिनल वर्जन के बारे में तो उनके ओरिजिनल सॉन्ग पर तमन्ना ने परफॉर्म किया था, और अब ये सेम फॉर्मूला पुष्पा राज में अपना कर फिल्म के फिल्म मेकर से देखना चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा में कितना क्रेज बढ़ पाता है इस मूवी का। साथ ही साथ में ये भी देखना होगा कि यह सॉन्ग हिंदी सिनेमा में कितना जादू बिखेर पाता है। हालांकि श्रद्धा कपूर ने इस बात को लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है और ना ही फिल्म मेकर्स ने इसके बारे में कोई बात की है। फिल्म का फाइनल पार्ट अभी भी शूट होना बचा हुआ है, जो कि लॉकडाउन की वजह से काफी डिले हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से फिल्म के काफी मेन सीन शूट नहीं हो पा रहे हैं। देखते हैं आखिर कब तक इस आइटम सॉन्ग पर काम शुरू होता है और श्रद्धा कपूर इसमें मेन लीड करती भी हैं या नहीं। श्रद्धा कपूर पहले भी बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स पर परफॉर्म कर चुकी हैं। इससे पहले इमरान हाशमी की एक फिल्म उंगली में श्रद्धा कपूर डांस वसंती गाने पर झूमती नजर आई थी, और बाद में साहू फिल्म में श्रद्धा कपूर एक और गाना सैया साइको सॉन्ग पर भी नजर आई थी, जिसके बाद सॉन्ग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों इंडस्ट्रीज में काफी पसंद किया गया था। इस बार पुष्पा राज में किस लुक में श्रद्धा के इस आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करती नजर आएंगी, ये देखना तो हर किसी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर खास बात बताएं तो दोस्तों, श्रद्धा कपूर के फैंस और हिंदी सिनेमा के लिए ये बात काफी ज्यादा बेहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है, और इसी वजह से फिल्म को काफी फेम और काफी बज मिल सकता है। तो आपका इस टेक्निक के बारे में, प्रभास की सारी फिल्मों का उनके फैंस को लंबा इंतजार रहता है। उनके फैंस पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो। अब पुष्पा की ही बात कर ले तो उनके फैंस करीब 2 साल से इस पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं, जब से इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था। आने वाले दिनों में पुष्पा का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट नेशनल क्रश रश्मिका मांडेना नजर आने वाली। पुष्पा में विलेन के तौर पर फहाद फजल नजर आएंगे, साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार।
दोस्तों पुष्पा आज इतने ज्यादा लाइमलाइट में इसीलिए भी है क्योंकि इस फिल्म में लीड तौर पर अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं और अल्लू अर्जुन का स्टारडम ही कुछ ऐसा है कि उनकी हर फिल्म में लगातार चर्चा में बनी रहती है। अगर पुष्पा सक्सेसफुल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अल्लू अर्जुन के मैसिव पॉपुलैरिटी को भी जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कैसे अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का स्टाइलिश यंग आइकन कहा जाता है। अल्लू अर्जुन ने ज्यादातर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है। अभी तक वो बॉलीवुड की किसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं दिखे हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में वो जल्द ही बॉलीवुड की किसी फिल्म में भी काम करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था एज अ चाइल्ड एक्टर विजेता फिल्म के साथ। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक रहा था और इसी वजह से उन्हें कई एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलने लगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन को उनकी पहली फिल्म मिली जिसमें उन्होंने लीड किरदार निभाया था और वो थी गंगोत्री। गंगोत्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन अल्लू अर्जुन के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी फिल्म आर्या को रिलीज किया गया। आर्या को अल्लू अर्जुन के करियर का सबसे सक्सेसफुल फिल्म कहा जाता है। इस पिक्चर में उनके एक्टिंग स्किल्स की काफी सराहना हुई थी। इतना ही नहीं, आर्या पिक्चर के बाद अल्लू अर्जुन को कई अवार्ड से नवाजा गया था जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। अब बात करते हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन को साउथ का स्टाइलिश सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, साउथ इंडस्ट्री में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर किसी के लुक्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है तो वो है अल्लू अर्जुन। खास तौर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं आने वाले दिनों में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए उनके तमाम फैंस काफी एक्साइटेड हैं। पुष्पा बेसिकली एक गैंग वॉर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे सैंडलवुड की इलीगल तस्करी की जाती है और कैसे अल्लू अर्जुन फिल्म के शुरुआती दौर में एक खराब इंसान होते हैं लेकिन बाद में उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आ जाता है। आप पुष्पा के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मूवी पुष्पा राज, जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है, जल्द ही थिएटर्स में अपना कमाल दिखाने वाली है। बावजूद इसके ऑडियंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस मूवी से रिलेटेड बार बार कोई न कोई अफवाह हर बार मार्केट में नजर आती है, जिस वजह से फैंस की एक नई फैन थ्योरी बननी शुरू हो जाती है। इस मूवी के लिए जहां टॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक अल्लू अर्जुन को कास्ट किया गया है, तो वहीं इस मूवी के बाकी की कास्ट एंड क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मेंबर से जुड़ी हुई है। फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बात कंफर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज करा जाएगा। ऐसा करने की एक बड़ी वजह ये है कि फिल्म की स्टोरी में एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस स्पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हीरो और डायरेक्टर ने साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि पुष्पा को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना? ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। मेगा ब्लॉकबस्टर बाहुबली मूवी में भी यही हुआ था। फर्स्ट पार्ट में भी बहुत बड़ा स्पैन होने की वजह से फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया गया। फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मूवी को रिवर्स में ले जाना, ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार ही किसी मूवी के जरिए दिखाया गया है। कहा जाता है कि गाना है तो मूवी सुपर हिट, और जहां इस गाने की पूरी प्रोडक्शन टॉप म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ऑस्कर विनिंग स्टार के पास हो, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सेस इस मूवी को मिल पाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही है कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, तो सोचने की बात है कि जहां साउथ सॉन्ग्स में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है, ऐसे में क्या इस सॉन्ग का हिंदी में भी कोई डब वर्जन या न्यू हिंदी सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसे मूवी का हिंदी ऑडियंस के साथ काफी गहरा कनेक्शन बन जाएगा। अब ऐसा करने की एक वजह ये हो सकती है कि अल्लू अर्जुन वैसे ही अपने हैंडसम और डैशिंग लुक के लिए काफी पॉपुलर हैं और उनके हैंडसम हॉट लुक्स और पर्सनालिटी एक आम बात हो गई है। ऐसे में उनके पोस्टर में वही सेम लुक दिखा कर ऑडियंस के बीच इतना क्रेज पैदा नहीं होता जितना टॉलीवुड के मोस्ट डैशिंग स्टार अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और पूरी टीम में बहुत ज्यादा जोश है। फिल्म का ट्रेलर 70 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है जिससे फिल्म की पूरी टीम काफी ज्यादा खुश है।
फिल्म के रिलीज से पहले ही इतनी बड़ी कामयाबी मिलना साउथ इंडस्ट्री के लिए एक आम बात होती जा रही है। मूवी के ट्रेलर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ अल्लू अर्जुन के एक्शन सीन, लुक और फाइटिंग सीक्वेंसेस ने काफी तहलका मचा दिया। इस मूवी को मिरर रूम फॉरेस्ट में शूट किया गया है, जहां हाई पुलिस फोर्स और कंप्लीट सिक्योरिटी ने इस फिल्म पर काम किया गया था। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म क्रू को साउथ के एक्शन सीन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, और साथ ही साथ शायद से इंटरनेशनल ऑडियंस को भी लुभाने के लिए पुष्पा राज की कैमरा हैंडलिंग के लिए चूज किया गया है पॉलिश कैमरामैन मिरोस्लाव कुबर प्रोजेक्ट को। जी हाँ दोस्तों, मिरोस्लाव को इंडिया में पीसी श्रीराम ऑफ पोलैंड कहा जाता है। पीसी श्रीराम इंडिया के री ओन्ड सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है, जो कि मोस्टली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इवेंट्स में काम करते हैं। मिरोस्लाव इससे पहले क्या इडम मूवी जिसको विक्रम कुमार ने डायरेक्ट किया था उसके लिए एज अ कैमरा पर्सन काम कर चुके हैं। उस फिल्म में मिरोस्लाव के काम से इम्प्रेस होकर ही सुकुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज के लिए उन्हें हायर किया। मिरोस्लाव भी फिल्म में हिस्सा बनने का यह मौका पाकर खुश नजर आ रहे थे, और फैंस भी ये खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन ये खुशी ये पल ज्यादा समय तक नहीं रह पाई थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरों के अनुसार कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो वापस जा रहे हैं और उन्हें रिप्लेस करने की बातें चल रही हैं। बता दें कि अल्लू अर्जुन मिरोस्लाव के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, और ये एक्साइटमेंट मिरोस्लाव के एफर्ट्स में भी दिख रही थी। ट्रेलर लॉन्च के दौरान मिरोस्लाव ने फिल्म की काफी तारीफ भी की थी, और फिल्म के हर इवेंट का, चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या फिर कई पूजा सेरेमनी हो या फिर फिल्म का सेलिब्रेशन क्यों ना हो, उसका हिस्सा जरूर बनते थे। मिरोस्लाव तेलुगु इंडस्ट्री से अटैच हो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें जाना पड़ रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल में सेफ्टी बनी रहने के लिए, इसलिए सभी रेस्ट्रिक्शन और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनको एक सेफ ट्रैवल जोन में रखा हुआ है। ये एग्जैक्ट फिल्म पर गहरा असर डाल सकती है, क्योंकि फिल्म के टीजर से ही फिल्म का गहराई और थ्रिल का काफी पता चल रहा है। अब क्या न्यू कैमरामैन इस लेवल को मैच कर पाएगा? तेलुगु सिनेमा में आजकल फॉरेन सिनेमाटोग्राफर्स को अप्रोच करने के ट्रेंड चल रहा है, जिससे फिल्म की विजुअल क्वालिटी और ज्यादा इंडेक्स ऊपर सामने आती है। अभी तक यूरोपियन पॉलिश सिनेमाटोग्राफर्स अपना कमाल दिखा चुके हैं तेलुगु फिल्म्स में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये कोशिश पुष्पा राज के लिए भी हुई थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब क्या नया काम है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में? अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा ने अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही मीडिया में सनसनी मचा रखी है। कभी फिल्म की हीरोइन, तो कभी फिल्म का विलन, कभी फिल्म के दो पार्ट्स, तो कभी फिल्म का गाना। फिल्म आए दिन किसी न किसी कारण से हेडलाइंस में रहती है। इन सारी अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन तो हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में दे ही चुके थे, लेकिन आज हम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसका जवाब तो सब जानना चाहते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है। ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, एक सवाल ने सबके मन में भर कर रखा है, आखिर फिल्म का नाम पुष्पा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट वजह है? इस बारे में कई थ्योरी देख ली। कुछ के अकॉर्डिंग पुष्पा फिल्म में अर्जुन की माँ का नाम पुष्पा हो सकता है, जिससे वो बेहद प्यार करते होंगे, और जिनकी मौत के बाद ही इसीलिए उनकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपना नाम पुष्पा ही रख लेंगे। तो कुछ का कहना है कि क्या पता कि लीडिंग लेडी रश्मिका का नाम। स्पेकुलेशन की हद तो तब तक हो गई जब उन्होंने ये कहा कि क्या पता डायरेक्टर सुकुमार राजेश खन्ना के बड़े फैन, इसीलिए ये नाम रख दिया गया। यू नो पुष्पा आई हेट यस, पर हमने ये गुत्थी सुलझा ही ली। एक्चुअली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल सा कारण है, जितना डीप में जाकर फैंस ने सोचा उतनी मेहनत मेकर्स ने नहीं की। फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर का नाम पुष्पक नारायण रखा गया, जिन्हें सब प्यार से पुष्पा बुलाते हैं, और इसी वजह से फिल्म के लिए इस टाइटल को चुना गया। आफ्टर ऑल पूरी कहानी इस किरदार के इर्द गिर्द घूमेगी। बता दें कि इससे पहले फिल्म का नाम शेषाचलम रखा जाने वाला था, क्योंकि ये पूरी कहानी शेषाचलम में प्रोमिनेंट स्मगलिंग पर बेस्ड है। अगर ऐसा होता तो पुष्पा और केजीएफ में एक और सिमिलैरिटी हो जाती, क्योंकि केजीएफ का भी ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पूरी कहानी इस पर बेस्ड थी, केजीएफ पर किसका राज होगा। शायद इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सुकुमार ने शेषाचलम को पुष्पा कर दिया। इससे फिल्म का टाइटल काफी कैची भी हो गया और इंक्लूसिव भी और क्यूरियोसिटी लगाने वाला हो गया।
खैर ये तो हमारी अर्जुन फैंस के लिए बेहद खास। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज बात करेंगे आज के फैंस के बहुत ज्यादा फेवरेट और मोस्ट स्टाइलिश एंड डैशिंग एक्टर अल्लू अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पुष्पराज के बारे में। दोस्तों पुष्पराज का टीजर जब से रिलीज किया गया है और अपने बर्थडे पर टीजर के सक्सेसफुल लॉन्च पे जब से अल्लू अर्जुन ने अपने नॉर्थ इंडियन फैंस और अदर स्टेट फैंस के लिए इंग्लिश में स्पीच देते हुए और हिंदी में उनके लिए कुछ शब्द कहते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने सपोर्ट के लिए उनके शुक्रगुजार हुए हैं, तभी से ही दोस्तों नॉर्थ साइड में भी अल्लू अर्जुन का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अल्लू अर्जुन की अपकमिंग इस ड्रामा एक्शन फिल्म में सुकुमार और उनके म्यूजिक कंपोजर देवीश्री प्रसाद के साथ उनका काफी टाइम बाद कोलैबोरेशन हुआ है। इससे पहले सुकुमार और अल्लू ने साथ में दो ब्लॉकबस्टर मूवीज करी थी जो कि थी आर्य और आर्य का सेकंड सीक्वल आर्य 2। और ये बात सभी जानते हैं कि स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन को आर्य मूवी ने रातों रात सुपर सेंसेशन बना दिया था। दोस्तों पुष्पराज को लेकर हर दिन एक मार्केट में नई अफवाह सुनने को मिलती है। मूवी की स्टोरी लाइन एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। रिसेंटली आ रही खबरों के अनुसार अल्लू अर्जुन इस मूवी में डबल रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोर्सेस की माने तो जहाँ अल्लू अर्जुन का एक किरदार स्मगलर के रूप में नजर आएगा तो वहीं दूसरा किरदार बिजनेसमैन के तौर पर दिखाया जा सकता है। अब दोस्तों पुष्पराज के नए और पुराने पोस्टर्स को देखकर अल्लू अर्जुन के अलग अलग रूप्स पर उनके डबल रोल होने की अजम्पशंस लगाई जा रही है। ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फैन ने अल्लू अर्जुन के डबल रोल होने की बात कही थी। दोस्तों इस बात पर अभी तक डायरेक्टर सुकुमार ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या झूठ। अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और एक्टर दोनों का रोल अल्लू अर्जुन साथ में निभाते हुए नजर आया। अब दोस्तों सोचिए जरा, जैसे बॉलीवुड मूवी डॉन में हुआ था जिसमें असली डॉन तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली उसी के जैसे दिखते हुए गरीब आदमी को उनके गैंग में डॉन बनाकर भेज दिया। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही खानी इस बार पुष्पराज में रिपीट तो नहीं की जाएगी। स्ट्रॉन्ग यूमर्स की बात की है कि अल्लू अर्जुन का दूसरा रोल एज अ बिजनेसमैन होगा। अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिजनेसमैन की सच्चाई पता लगने के लिए लॉरी ड्राइवर अल्लू अर्जुन को बिजनेसमैन बनाकर वहां भेज दिया जाए जहां से उनके धंधे को ऑपरेट किया जाता हो। और अब दोस्तों रूमर्स में कितनी सच्चाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स क्लियर करेंगे तभी पता चलेगा, वरना मूवी रिलीज होने का तब तक इंतजार करना पड़ेगा सभी को। और दोस्तों इन सभी खबरों से अल्लू अर्जुन के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे अगर अल्लू अर्जुन अपने फैंस के लिए कितने खास क्यों हैं तो इसका जवाब आप जल्द ही खुद समझ जाएंगे। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन ने बताया कि फैंस के साथ साउथ मूवी इंडस्ट्री के एक्टर्स का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। दे ऑल ट्रीट ईच अदर लाइक फैमिली। ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और फिल्म स्टार फैंस के बिना कुछ नहीं है। इसलिए साउथ में देखा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बड़ी है। अपने क्लोज फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैन के फ्यूनरल में वो खुद उनके घर गए थे। बॉलीवुड स्टार्स या एक्टर्स के मुकाबले अपने फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और यही वजह है कि नॉर्थ इंडिया में भी साउथ एक्टर्स के इस नेचर की वजह से उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज करती है वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते अभी अपनी तय तारीख में रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को अभी 3-4 महीने और इंतजार करना है क्योंकि 99% ये फिल्म 17 दिसंबर 2021 को जरूर रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स फैल रहे थे, सब अपने अपने तरीके से कहानी अज्यूम करने लगे थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआत में अल्लू अर्जुन एक बिजनेसमैन के रोल में नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपरहिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर चुके हैं, कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें सीधा बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे, उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे, लेकिन अब थिएटर वाला मजा लेना होगा, तो मजा तो आएगा ही। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने भी कमर कस ली है और उन्होंने सोचा है कि वो जमकर प्रमोशन करेंगे, जो कि हमने कहा भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहेगी, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है बार बार इन्हें खबरें देनी पड़ती है कब फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए। इसीलिए हिंदी ऑडियंस के लिए स्पेशली अल्लू अर्जुन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वैसे फैन फॉलोइंग कम नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अल्लू अर्जुन ने पूरी जान झोंक दी है। एक PR टीम उन्होंने रखी है जो कि अब सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, प्रमोशनल इवेंट, साथ ही जितने भी ये बॉलीवुड
के चैनल है उनमें इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। साथ ही आपको बता दें कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है। तो सोचिए अल्लू अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुंच गए तो कितना भयंकर मजा आने वाला है दोस्तों। ये बात वाकई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट भरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है। रश्मिका मंदाना इसमें नजर आने वाली है, विजय सेतुपति है, और अब विलन का नाम भी रिवील कर दिया गया है, सूर्या, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं। साथ ही सुकुमार इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि अल्लू के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए। और सैंडलवुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन। उनकी जो तस्वीरें सामने आई है वो दिखाती हैं कि 80s से 90s का ये एरा है, जिसमें कि अल्लू अर्जुन की जो शर्ट है, चेक शर्ट दिख रही है, बेल बॉटम पैंट्स दिख रहे हैं, साथ ही उनके हाथ में स्टील की घड़ी है जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी। तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है, जैसे कि अल्लू अर्जुन का लुक जो कि कर्ली हेयर उन्होंने कैरी किए हैं, और जितनी भी फोटो तब से उनके सामने आ रही है उसमें अलग ही ऑरा उनका दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव अल्लू अर्जुन नज़र आ रहे हैं और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नज़र आएंगे। फिल्म में एक्शन बहुत भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों आपको कितना इंतज़ार है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का, ये ज़रूर बताइए। और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ऐ सर मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या रहेगा, और कितने बजट में बनाया जा रहा है पुष्पा को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। बात करेंगे साउथ के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की, जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा, और बहुत ज़्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लुक शेयर किए गए हैं। और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था, कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। इस फिल्म को सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वायरल हो और लीक हो, इसीलिए उन्होंने कड़ी सिक्योरिटी रख दी है। और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर, उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिए हैं कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं और एकदम से धमाका मचाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है, 150 करोड़ का इसका बजट होने वाला है। पैन इंडिया ये फिल्म है, यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी, और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। तो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी ये ओपनिंग देगा। हिंदी की अगर हम बात करें और 100% ऑक्यूपेंसी रही थिएटर्स में, अगर पेंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थिएटर्स में, तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड़ का ओपनिंग आराम से देगी। ये 30 करोड़ भी हो सकता है, और 60 करोड़ का अगर हम बोले अलग भाषाओं से, जो बाकी भाषाओं में रिलीज हो रही है, उससे 60 करोड़ ये ऑक्यूपाई कर ही लेगी, इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी। खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन, ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 250 करोड़ ये फिल्म आसानी से कमा लेगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 20 करोड़ का ये ओवरसीज कलेक्शन करेगी पहले दिन। तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु से ये 300 करोड़ कमा लेगी और 200 करोड़ हो गया हिंदी में। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड़ की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन के जो फिल्में हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतज़ार रहता है और वर्ल्ड वाइड भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है।
तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अल्लू की जितनी भी फिल्में आती हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है। उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूज़ के मामले में भी, और फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है। इसके अलावा उनके अपोजिट इसमें रश्मिका मंदाना नज़र आने वाली हैं, और इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में। तो दोस्तों इतना तो ये तय है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी, और सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा। विजय सेतुपति इसमें होने वाले हैं। एक और विलन का नाम सामने आ चुका है, वो है आर्या, और आर्या अल्लू अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कितना करोड़ का ये कलेक्शन कर लेगी, और कितना इंतजार है इस फिल्म का? नीचे अपने किस नए अंदाज से चौंकाने वाली हैं रश्मिका दर्शकों को? क्या इस नए किरदार से बदल जाएगी अभिनेत्री की छवि, और क्यों एक बार फिर रुकी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग? क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस की वजह से हर जगह छा रही हैं कन्नड़ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। कभी अपने दिल पिघला देने वाली तस्वीरों की वजह से तो कभी अपने जिम वर्कआउट की वीडियो से, लेकिन जल्द ही अब ये ग्लैमर डॉल अपना काया पलट करने जा रही हैं अपनी एक खास फिल्म के लिए। तो क्या आप तैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो? रश्मिका जल्द ही अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनने जा रही हैं, और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी। फिल्म का शीर्षक है पुष्पा, जो फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम भी रहेगा, और ये फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगलों से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारित है। अल्लू अर्जुन का बीहड़ लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने बचपन में ही अपना एक्टिंग करियर चिरंजीवी जैसे बड़े सितारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था, वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अव्वल है अभिनेत्री। 24 साल की इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरक पाची से वाह वाह बटोरी थी, जिसके बाद उन्होंने महेश बाबू के साथ सरीलेरू, निक्की वेरू और भीष्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म पुष्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अवतार में दिखेंगी। हमेशा ग्लैमरस अंदाज में देखी गई अभिनेत्री अब करने जा रही है गांव की गोरी का किरदार। फिल्म में वे गांव की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी, जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लैमरस रूप में दिखाया जाएगा। रश्मिका और अल्लू अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी, जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं केजीएफ की शीना यानी श्रीनिधि शेट्टी के बाद अब कन्नड़ ब्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनेमा की तरफ। जल्द ही रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्ति के साथ दिखाई दे सकती हैं। और क्या आप जानते हैं शाहिद कपूर की आगामी फिल्म जोसी में मृणाल ठाकुर से पहले रश्मिका को फिल्म में मृणाल वाला किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कोई जिनकी निगाहें टिकी हैं सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेस पर, जी हाँ संजय लीला भंसाली, जिन्होंने ऐश्वर्या राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला। वहीं दीपिका पादुकोण की फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत ने दीपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सलमान अपनी फिल्म किक में न ढूंढ रहे थे। वहीं अब संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं, और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुक गई है। फिल्म का ऐलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या क्या शीर्षक के साथ आएगी अभी तक बताया नहीं गया है। अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरहिट फिल्म आर्या कर चुके हैं, और पुष्पा को मैत्री मेकर्स बैनर्स बैरल के कर रहे हैं, और जो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर कौरतला शिवा के साथ फिल्म #AA21 से भी जुड़ गए हैं। फिल्म पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है, और ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवश्री प्रसाद हैं, जिन्होंने कई तेलुगु हिट गाने दिए हैं। वहीं आपको उर्वशी रौटेला का गाना डैडी मम्मी है नहीं घर पे याद है, उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर ही भी प्रसाद ही है। सुकुमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रंगस्थलम में भी देवश्री प्रसाद का साथ था, और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डायरेक्ट किया है। एक इंटरव्यू के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए। वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है। फिल्म की शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही थी, और पुष्पा को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया, इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोक दी गई, और सेट पर सभी की सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जनवरी तक शूट स्थगित करने का फैसला किया है।
तो क्या बनेंगी रश्मिका भंसाली की हीरोइन? कहीं फिल्म पुष्पा केजीएफ 2 से क्लैश तो नहीं करेगी? आपको क्या लगता है, हमें अपने जवाब कमेंट्स करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज क्या है। साउथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरीन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉपुलैरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है, और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज और फिल्म मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बारीकी से फॉलो करना, फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंड डायरेक्शन एंड फॉर दैट मैटर बजट हो। इस एफर्ट का रिजल्टेंट है कमाल का सिनेमा जिसके काफी चाहने वाले हैं। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि कंटेंट के मामले में अब बस बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साथ में ही कई रीजनल सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं, और कई केसेस में तो बॉलीवुड से बढ़िया कॉन्टेंट परोस रहे हैं। हर तबके से जुड़े लोग अब साउथ सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं, और इसकी बदौलत साउथ स्टार्स की फैन फॉलोइंग अलग लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीधे आते हैं मुद्दे पर। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मिका मंदाना की मच अवॉइटेड फिल्म पुष्पा रिलीज होने जा रही है अगस्त में, और एज एक्सपेक्टेड इस तेलुगु फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है। फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेड सैंडलवुड की तस्करी पर बेस्ड, जिसमें अल्लू अर्जुन इसी धंधे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे। अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता, और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है। पर जिस देश में इतनी क्रिएटिव ऑडियंस हो वहाँ क्रेजी थियोरीज की क्या कमी हो सकती है, इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जुट गई है और कुछ कमाल की स्टोरीज निकाल के सामने आ रही है। तो देर किस बात की, आइए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है। पहली एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चक्कर लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है पुष्पा, और प्लॉट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अल्लू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है। पुष्पा का हो जाएगा कत्ल और मारने वाले गुंडों का कोई अता पता नहीं होगा। अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेड सैंडलवुड की तस्करी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा। फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोध की ज्वाला टाइप बन जाएगी, जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा। इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रे शेड में दिखेंगे, पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थ्योरी की तरफ। इसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है, पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर। अब अल्लू मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुंचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेड सैंडलवुड के फॉरेस्ट में, इसलिए अल्लू अर्जुन खुद भी रेड सैंडलवुड का स्मगलर बन जाएगा और लोरी चलाएगा। इसी लुक में वो विलेन के करीब पहुंच जाएगा जो सैंडलवुड स्मगलर माफिया हेड होगा, और जिसने उसकी बहन को इसलिए मारा होता है कि इस धंधली का पता चल जाता है अपने फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। तो एंड में होता है घमासान युद्ध और विलेन की हार के साथ स्टोरी समाप्त। बस यही नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं, पर असली स्टोरी जा रही है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा। उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा, क्या होने वाली है पुष्पा की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अपने जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने सबको सरप्राइज दिया था, पुष्पा की घोषणा की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे, और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, क्योंकि साउथ समेत नॉर्थ में भी
अल्लू अर्जुन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मेकर्स द्वारा अल्लू के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग भाषाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था, जिसमें कि अल्लू अर्जुन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिज़ाइनर प्रतिशील सिंह का हाथ था, जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑलरेडी अवार्ड जीत चुके हैं। और प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102 नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज़्यादा, हाउसफुल 3, बहुत सारी फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट वो रहे हैं। जादू चलाया अपने मेकअप का, और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने, और ये लुक सामने भी दिखता है। अब तक बहुत सारे लुक शेयर किए गए है, लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनाउंस कर दिया है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी नजर आ रही है, पूरे जंगल का सीन, अंधेरा सीन नजर आ रहा है, उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही अल्लू अर्जुन ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म पुष्पा कब रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये जो पोस्टर है वो शेयर किया है, और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुल्हाड़ी है। अल्लू अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं। काफ़ी अमेजिंग है ये पोस्टर, और साथ ही अल्लू अर्जुन ने इसे कैप्शन दिया है #पुष्पा पुष्पा लोडिंग इन थिएटर्स फ्रॉम 13th of August 2021, एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन सिनेमाज दिस ईयर। और सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, हम सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो फिर से वही मैजिक क्रिएट करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पुष्पा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतुपति, प्रकाश राज, जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे। और एक्ट्रेस की बात करें तो रश्मिका मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार है। इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है। वहीं हरमन उथम और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म लाल चंदन यानी कि सैंडलवुड, जो लकड़ी होती है, उसकी तस्करी पर आधारित है। फिल्म की पृष्ठभूमि सेशाचलम के जंगल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि अच्छी अच्छी लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी। और इसमें विजय सेतुपति और अल्लू अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, यानी कि खतरनाक एक्शन, दमदार फाइट होने वाली है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल पता ही चल गया है 13 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए जल्दी से लिख डालिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए हेलो एंड वेलकम टू पॉलीग्राफ स्टूडियोज की कौन नए चटपटी वीडियो में। श्रिया अरोरा आपकी आज की होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट और लिखा सुकुमार ने है। सुकुमार एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर है, जो कि प्रीडोमिनेंटली तेलुगु सिनेमा में ही काम करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर की थी, और उन्होंने मोहन और वीवी विनायक को भी असिस्ट किया है। सुकुमार ने अपना डायरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था, और ये फिल्म काफ़ी सुपर हिट हुई थी, जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी। फिल्म में बतौर लीड एक्टर्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था। जगापति बाबू, प्रकाश राज, धनंजय, सुनील, गिरीश उठमन और वेनेला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को प्रोड्यूस मैत्री मूवी मेकर्स इन एसोसिएशन विद मुत्तम शेट्टी मीडिया के तहत प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहत रिलीज किया गया था। फिल्म पुष्पा को 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने का स्केड्यूल किया है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है। जनवरी 2020 में पहले डायरेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ, लेकिन महेश बाबू और डायरेक्टर सुकुमार के क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया, और उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सरीलेरू नेकेवारू फिल्म को साइन किया था, जिसे डायरेक्ट अनिल रवि पुरिस ने किया था। बाद में अल्लू अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइन किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में एज अ लीड एक्टर काम करके। सुकुमार और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन द रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। दिसंबर 2019 में डायरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथीरैपिडली फॉल्स पर। फिल्म पुष्पा का फर्स्ट शेड्यूल केरला में ही शूट किया गया था। फिल्म को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हॉल्ट कर दिया गया था।
फिल्म की शूटिंग दोबारा स्टार्ट करी गई थी 10 नवंबर 2020 में। विजय सेतुपति बहुत चर्चा में थे द एंटागोनिस्ट प्ले करने के लिए और जनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए। रश्मिका मंदाना को अप्रैल 2019 में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया गया था और जगापति बेबी और प्रकाश राज को की रोल्स के करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में ऐसी खबर सामने आई कि विजय सेतुपति को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इश्यूज की वजह से। कन्नड़ा के फेमस एक्टर धनंजय को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था। नवंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पा की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था। बस फिलहाल आज इस फिल्म के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है रुशाल। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ऐ सर, मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता और गुस्सा आता है तो भूख कर लगता। पुष्पा से करने वाली है रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत? क्या साउथ की अगली कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड को रश्मिका मंदाना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्में पैन इंडिया रिलीज यानी कि अपने ओरिजिनल भाषा के साथ साथ कई और भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में SS राजामौली की फिल्म बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई थी। बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जन की प्रोडक्शन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने किया था। उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला। फिर उनकी आने वाली फिल्में राधे श्याम और आदि पुरुष और साथ में नाग अश्विन की फिल्म और सिद्धार्थ आनंद की फिल्में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। उसके बाद फिल्म KGF चैप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला। इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है। साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस ने कई बार बॉलीवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है, जैसे कि श्रीदेवी, जया प्राडा, ऐश्वर्या राय, असिन, दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू जैसी कुछ अभिनेत्रियां अमाप सफलता पा चुकी हैं बॉलीवुड में। वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अग्रवाल, त्रिशा कृष्णन जैसी अभिनेत्रियां ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, हालांकि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं। अभी अभी साउथ में विजय की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं और साथ ही साथ विजय के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी। रश्मिका मंदाना को पिछले साल नेशनल क्रश का टाइटल मिला था। ये क्रश पहले दिशा पाटनी को भी मिला था। रश्मिका मंदाना एक के बाद एक बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मूवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ऑफर हुई थी। RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती हैं और रश्मिका ने तुरंत ही हाँ कह दिया था। इसमें उनके ऑपोजिट होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मगर हाल ही में
सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर इतना स्मूथ नहीं जा रहा। हालांकि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके प्रयास ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलीवुड डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोजिट फिल्म ढूंढ रही थी। और इसी वक्त उनके कानों में अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई। अल्लू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी भी हो गई, और तभी उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करवाने का सुझाव भी दे दिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बल्कि थिएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं, केवल रश्मिका की उस ख्वाहिश की वजह से। चलिए दोस्तों, साउथ फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्टर हैं। उनके पिछले फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम की धुआंधार सक्सेस ने उन्हें पूरी दुनिया में यानी कि पूरे देश में चर्चित कर दिया है। भले ही ये साउथ स्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं थी, बावजूद इसके इस फिल्म की सक्सेस ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया है। अब अल्लू अर्जुन अपनी अगली फिल्म पुष्पा को लेकर बिजी हैं, जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मेकर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में एक्टर को लेकर खबरों का बाजार लगातार गर्म है। अब अल्लू अर्जुन से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर उनके फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच जाने वाला है। दरअसल अल्लू अर्जुन ने हाल ही में KGF डायरेक्टर प्रशांत नील से मुलाकात की है। वो हैदराबाद में आज प्रशांत नील के दफ्तर के बाहर स्पॉट किए गए। यहाँ उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी। अल्लू अर्जुन ने वहाँ से निकलने के बाद हजारों फैंस को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अल्लू अर्जुन ने फैंस को इस तरह से उन पर प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद भी कहा, जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चले गए। इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म है कि अल्लू अर्जुन और प्रशांत नील की ये मुलाकात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है। इस खबर से अल्लू अर्जुन के फैंस में भारी क्रेज है। वेल, आपको बता दें कि प्रशांत नील की KGF 2 बनकर तैयार है और जल्दी थिएटर में पहुंचने वाली है। इसके बाद वो प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को पूरा करने की कोशिश में जुटे होंगे। फिल्म इन दिनों शूटिंग स्टेज पर है। क्या इसके बाद प्रशांत नील अल्लू अर्जुन संग अगली फिल्म की तैयारी करेंगे? इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि जल्द मिलेगा। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय। क्या बॉलीवुड में भी एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं अल्लू अर्जुन, और क्या बॉलीवुड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूं, जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा की। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप सभी ने कभी साउथ इंडियन फिल्में देखी? वैसे अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए तो मेरा जवाब होता है हाँ। और मुझे पता है आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आधे साउथ इंडियन होंगे और आधे होंगे नॉर्थ इंडियन। तो आप लोगों ने, मैं नॉर्थ इंडियन वालों से सवाल कर रही हूँ, आप लोगों ने भी साउथ इंडियन फिल्में तो जरूर देखी होंगी ना। आप सभी को वो भाषा समझ आती है ना, आप सभी को समझ आता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजॉय करते हैं। और वैसे हम कई सारे टीवी चैनल्स पर ये भी देखते हैं कि साउथ फिल्मों को हिंदी डब कर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन, सुधीर बाबू, महेश बाबू, रजनीकांत, ऐसे नाम तो हम सभी ने सुने ही हैं, और इनमें से कई एक्टर्स को तो हमने बॉलीवुड में काम करते हुए भी देखा है। जहां हमने रजनीकांत को अमिताभ बच्चन के साथ देखा है, वहीं एक तरफ शाहरुख खान के साथ भी देखा है, और साथ साथ ऐश्वर्या राय के साथ उनकी फिल्म रोबोट में तो देखा ही देखा है। उस फिल्म को भला किसने मिस किया होगा। लेकिन जिस तरीके से इन एक्टर्स को साउथ में पूजा जाता है, जिस तरीके से इन एक्टर्स को साउथ में प्यार किया जाता है, उन्हें वो रिकॉग्निशन, उस लेवल का रिकॉग्निशन बॉलीवुड में नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आप सभी को एक मजे की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनीकांत को पूरे साउथ में इस तरीके से पूजा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहां पर पूरी नेशन वाइड हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाती है। जी हाँ, और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस जरा बड़ा है, यहाँ पर बॉलीवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन फिल्मों का हिंदी डब कर रिलीज कर दिया जाए, क्यों ना इन फिल्मों को सिनेमा घरों में एज हिंदी डब रिलीज कर दिया जाए। ऐसे में हम साउथ की इन फिल्मों का मजा अपनी चुनी हुई भाषा में अपने पास के नजदीकी सिनेमा घरों में भी देख सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुबली फ्रेंचाइज और KGF फ्रेंचाइज ने फिल्मों को डब कर सिनेमा में रिलीज किया है, और यहाँ तक कि साहू जैसी फिल्मों में हिंदी एक्टर्स को भी लिया गया है। साउथ के मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे थे। वैसे तो उनकी ऑडियंस तमिल ऑडियंस, कन्नड़ ऑडियंस, यही सब, लेकिन अब वो अपने इस टारगेट को बदलना चाहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलीवुड एस्पिरेशनल लगता है, और यहाँ तक कि उरी जैसी फिल्म की तारीफ भी की।
उन्होंने कहा कि अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ऑफर की जाए तो वो उस फिल्म को जरूर करना चाहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अर्जुन रेड्डी ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो अब पुष्पा को पैन इंडिया रिलीज दिलाने वाले, जिसकी वजह से वो फिल्म बॉलीवुड में रिलीज कर दी जाएगी। तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितनी तेजी से अल्लू एंट्री मारते हैं बॉलीवुड के मार्केट में, और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। पुष्पा में होने वाली है उर्वशी रौतेला, क्या होने वाली है पुष्पा के खास बातें, कब तक ये फिल्म रिलीज होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूँ सोनिका जैल। पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं। एक और अपडेट सामने आई है पुष्पा की, और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की। जी हाँ, उर्वशी रौतेला जो कि हॉट एंड स्टनिंग है, बॉलीवुड डीवा है, और अब उनका एक आइटम सॉन्ग होने वाला है पुष्पा में। बेहतरीन डांस तो उर्वशी करती ही है, साथ ही उनके जो लुक्स है वो वाकई कातिलाना है। और आपको बता दें, पुष्पा जो फिल्म है उसका हाल ही में शूट शुरू किया था अल्लू अर्जुन से, सेट से भी बहुत सारी तस्वीरें लीक हुई थी, और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई, इसीलिए उन्होंने टाइट सिक्योरिटी कर ली है कि सेट से कोई भी तस्वीर बाहर ना जाए। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं इस फिल्म के ज़रिए। आपको बताते हैं, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का जो लुक है वो काफ़ी कमाल का है। अल्लू अर्जुन के इसमें कर्ली हेयर नज़र आ रहे हैं और चेक शॉट नज़र आ रही है, 90s का दौर दिख रहा है। इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है, और साथ ही आपको बता दें इसमें सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन। और इसमें विजय सेतुपति भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं, वो पुलिस का किरदार करने वाले हैं, और शायद अल्लू अर्जुन कैसे बचते हैं उनसे, ये सारी कहानी होगी। रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के अपोजिट इस फिल्म में नज़र आएंगी। वहीं आपको बता दें, अल्लू अर्जुन की पुष्पा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार बड़े पर्दे पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन नज़र आएंगे। जब हम इन्हें छोटी स्क्रीन पर ही देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो मज़ा आ जाता है, लेकिन सोचिए बड़े पर्दे का अनुभव किस तरह से होगा जब ग्रैंड एंट्री होगी। और इसमें खाली एक जब एंट्री होनी है अल्लू अर्जुन की, उस पर 6 करोड़ का बड़ा खर्चा किया गया है, बहुत ही धमाकेदार इसको बनाया जाएगा। इसमें एक्शन सीन्स भी कमाल के होने वाले हैं दोस्तों, यानी कि फुल्ली एंटरटेनमेंट फिल्म ये होने वाली है, क्योंकि एक्शन तो है ही, साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकेदार डांस भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कितना इंतज़ार है आपको अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल उसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक इसे रिलीज़ किए जाने का प्लान है, तो लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में कितना